हेलो गाइस, वेलकम टू अहद एनिमेट्स। 3 साल पहले मैंने एक ब्लेंडर के बेसिक्स की सीरीज बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की। और आजकल मुझे फिर से कमेंट्स आ रहे हैं कि ब्लेंडर का जो नया वर्जन है जो कि 4.1 है, उस पे आप ये सीरीज दोबारा से स्टार्ट करें। तो बेसिकली मैं आपके लिए यही सीरीज फिर से लाया हूँ ब्लेंडर के लेटेस्ट वर्जन में। इस सीरीज को आपने देखना नहीं है सिर्फ, बल्कि फॉलो भी करना है ताकि आपको सारा कुछ सही तरह समझ आए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलते हैं नंबर 1 स्टेप की तरफ, जो कि है ब्लेंडर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सिंपली आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ blender.org सर्च कर लेना है, एंटर कीजिएगा। तो जब आप इसे एंटर करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन जो कि 4.1 है, ठीक है। आप वैसे बाकी सीरीज भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइक 4, 3.6 एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन ये सीरीज बेसिकली 4.1 की है जो कि इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है। अब आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और दोबारा से इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद आप इसे किसी भी फोल्डर पे डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड इट एंड एक्सट्रैक्टेड इट, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे जो कि है ब्लेंडर का इंटरफेस सीखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस आता है ब्लेंडर का जब भी आप इसे पहली बार ओपन करते हैं। तो मैं आपको इंटरफेस के नाम बता देता हूँ। ये जो मिडिल एरिया है जहाँ पर हम अपनी मॉडलिंग करते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, तो इस एरिया को हम कहते हैं व्यू पोर्ट। इसमें बेसिकली हम नेविगेट भी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। और 3D व्यू पोर्ट में हमारे पास यहाँ पर एक टूल बार आता है जहाँ पर बेसिक स्टफ के टूल्स हैं लाइक मूव टूल, रोटेट टूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आउटलाइनर है जहाँ पर हम अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब तमाम चीज़ें जो कि हमारे व्यू पोर्ट में मौजूद हैं वो यहाँ पर शो होंगी और हम उन्हें डिफरेंट कलेक्शंस के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ आवर इंटरफेस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसके मॉडिफायर्स वगैरह और रेंडर की सेटिंग्स और इस तरह की चीज़ें हम इसमें देखते हैं, और सिमुलेशन की भी प्रॉपर्टी, सिमुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस टैब में हम ये सारा कुछ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टैब आती है, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। यहाँ पर बेसिकली हम अपनी एनिमेशन प्ले कर सकते हैं, की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि हम लोग नेविगेशन कैसे करते हैं अपने 3D व्यू बोर्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस क्यूब के ऑपोजिट साइड पर जाना चाहता हूँ, नेविगेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको अपना मिडिल माउस क्लिक करना पड़ेगा और आपने क्लिक रखे रहना है, और जब आप अपना माउस ड्रैग करेंगे From left to right and up to down, तो आपका जो व्यू पोर्ट है वो मूव होगा यानी नेविगेट होगा। एंड एज यू कैन सी, आप इस क्यूब को डिफरेंट एंगल से व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रिड्स भी दिख रही होंगी 3D व्यू पोर्ट में। ये बेसिकली आपके एक्सिस को दिखाती हैं, यानी ग्रीन लाइन जो है ये वाई एक्सिस है और रेड लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, और जो स्ट्रेट जी एक्सिस भी है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो जी एक्सिस होती है। ऑलराइट, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे जाना है, तो परफेक्टली एक्स एक्सिस पे जाना है, तो यहाँ पर आपको एक सर्कल सा दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे जब आप लेफ्ट क्लिक करके मूव करेंगे तो वही सीन होगा जो कि हमारे मिडिल माउस से था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, जब आप इन लेटर्स के ऊपर अपना माउस लेके जा रहे हैं तो ये ग्लो कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज अगर आप इन्हें क्लिक करेंगे तो ये उस एक्सेस पे आपको ले जाएंगे, यानी मैं वाई एक्सेस पे जाना चाहता हूँ, मैं वाई एक्सेस पे क्लिक कर लेता हूँ, जी एक्सेस पे जाना चाहता हूँ, मैं जी एक्स पे चले जाता हूँ, और इनके शॉर्ट की नम पैड के 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है, इस तरह। तो अब ये तो हो गया। अब जूम इन जूम आउट सेम आपके स्क्रॉल व्हील से ही होता है, ठीक है, स्टफ लाइक दैट। अब आपने अपनी चीज़ों को जब सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके ऊपर सिंपली अपने माउस लेके जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर लेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा येलो ऑरेंज कलर में, एंड सेम विद द क्यूब एंड सेम विद दिस लाइट। ये हमारी लाइट है, ये डिफ़ॉल्ट शेप है क्यूब, एंड दिस इज़ अवर कैमरा। लेकिन अब हमने सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट किस चीज़ के लिए किया है, हम तो इसे मूव वगैरह करना आता ही नहीं है, तो फिर सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या। मैं आपको सिखाता हूँ कि हम लोग इसे मूव कैसे कर सकते हैं। देर आर टू वेज ऑफ मूविंग दिस, एक टूल बार के ज़रिए और एक शॉर्टकट, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको मेजॉरिटी चीज़ें शॉर्टकट के थ्रू सिखाऊंगा, क्योंकि टूल बार यूज़ करके इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, बट स्टिल आई विल शो यू सम ऑफ द टूल्स। अच्छा, यहाँ मूव टूल है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक गिमल आ जाएगा। इसमें हमारे पास 3 एरोज़ होंगे, एक जी एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इन एरोज़ के ऊपर जब मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा और इन पर क्लिक करूँगा और अपना माउस इधर उधर मूव करूँगा तो ये देखें, ये मूव हो रहा है वाई एक्सिस पे। सेम विद दी जी एक्सिस,
और एक्स एक्सिस के साथ भी सेम है, मैं इसको इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको मूव करूंगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसे फ्रीली मूव करना है तो ये सर्कल दिख रहा होगा वाइट सा, इसके अंदर मैंने अपना माउस क्लिक करना है और इसको अब जब मैं मूव करूंगा तो ये फ्रीली मूव होगा, ये किसी भी एक्सिस पे मूव नहीं होगा, ये फ्रीली मूव होगा हर एक्सिस पे। अब यहाँ पर आपको ये स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने टू एक्सिस पे से मूव करना है, लेट्स से मैंने इसे एक्स और वाई एक्सिस पे मूव करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ये एक्स और वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये जेड और वाई एक्सिस में मूव हो तो मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा, इनके दरमियान में जो बॉक्स है और ये सेम एंड सेम विद दी अदर, ठीक है। अब रोटेशन का भी बिल्कुल सेम है, जब मैं रोटेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशन का गिम्बल आया, और एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, जेड एक्सिस पे रोटेट करना है तो मैं जेड एक्सिस पे भी रोटेट करता हूँ एंड सेम विद दी वाई एक्सिस, और फ्रीली मूव करना है तो इन तीनों लाइन्स के अलावा कहीं पर भी क्लिक करें और ये फ्रीली मूव होगा। और स्केल का भी बिल्कुल सेम यही सीन है, ठीक है। स्केल यहाँ पर आप इसके एरो से वाई एक्सिस पे स्केल करना है, जी एक्सिस पे करना है तो वो भी कर सकते हैं, रैंडमली करना है यानी हर एक्सिस पे करना है तब भी आप कर सकते हैं, और दो एक्सिस पे करना है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, दो एक्सिस पे। तो चलिए ये हो गया। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ये बेसिकली तीनों मूव रोटेट और स्केल के गिम्बल्स को एक साथ ले आता है, विच इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू, मतलब अगर मैंने इसे मूव करना है तो गलती से रोटेट हो जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनोटेट है, ये बेसिकली कभी कभार काम आता है, इससे आप बस पेंसिल है आपके पास और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई रेफरेंस के तौर पर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या कोई मेरी तरह ट्यूटोरियल बना रहे हैं और आपको लोगों को समझाना है तो आप इसके ज़रिए समझा सकते हैं। और ये नेक्स्ट टूल हमारे पास, इससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और जो लास्ट टूल है वो थोड़ा बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास हमारा कर्सर के अराउंड कुछ इस तरह का सिंबल आ गया, और अगर मैं अपने लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखें एक प्लेन सा बन रहा है। अब जब मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा तो ये अब देखिए इसकी थिकनेस आ रही है, यानी ये क्यूब बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी थिकनेस करनी, अपना माउस मूव करें, अब फॉर एग्जाम्पल इतनी, तो ये देखिए क्यूब इसने बना दिया, ठीक है। सेम विद दिस वन, मैं इसको इतना कर लेता हूँ, देन यहाँ ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बेसिकली आपके बड़े लार्ज सीन्स के ब्लॉक आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बस ये इस तरह हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस सिलेक्ट बॉक्स पर आ जाता हूँ, इससे बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं बस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। अब मैंने इन्हें डिलीट करना है तो मैं डिलीट कैसे करूँगा, ठीक है। अब मैं एक्सप्रेस करूँगा और डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है और डिलीट कर देना है, और डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं, सिंपली डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर। लेकिन फॉर एग्जांपल अब मेरे सीन में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स और मैंने सबको एट वन सेलेक्ट करना है, तो देर आर टू वेज, ठीक है। एक तो अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना, बेशक आप मूव करने के लिए कर रहे हैं, डिलीट करने के लिए, स्टफ लाइक दैट, आपने सिंपली किसी एक क्यूब पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, देन शिफ्ट दबा के बाकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर क्लिक करें तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसे मूव करूँ तो ये देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है, हम अपनी मर्जी से हर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है बॉक्स सिलेक्ट, इसमें आपने जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं माउस उनके ऊपर लेके जाना है साइड पे, यानी जैसे ये है ना, कहीं और क्लिक करेंगे तो सारा कुछ डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लेके जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और फिर आपने अपना माउस ड्रैग करना है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन स्टिल ये भी काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं शिफ्ट वाला ही सेलेक्ट करता हूँ, मतलब शिफ्ट दबा के पहले सेलेक्ट बॉक्स पर आएँ, फिर शिफ्ट दबा के इन बॉक्सेस को सेलेक्ट करें। मेरा ख्याल में लाइट और कैमरे को भी फिलहाल डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट राइट नाउ। और अब आप एक्सप्रेस करें या फिर डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर लें, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब सीन से सारे ऑब्जेक्ट्स तो डिलीट हो गए, फिर हम ऐड कैसे करें, सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, मैश पे क्लिक करना है, और अब आप कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपके पास मंकी तक ऑब्जेक्ट्स होंगे, बाकी ये सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है, दैट्स वाई मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास ये मंकी तक ही होंगे। तो अब बेसिकली मैश का वर्ड बेसिकली वो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के पास वर्टिसेस, एजेस और फेसेस अगर हों तो वो मैश कहलाती है, ठीक है, यू कैन से दैट इट्स हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लेन, क्यूब, सर्कल, स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, ग्रिड एंड मंकी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मंकी ऐड करता हूँ, अब मंकी ऐड किया, अब मैं जूम इन करता हूँ, मिडल माउस दबाकर इधर उधर नेविगेट करता हूँ, ठीक है। एंड टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, यहाँ पर मैं एक एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं चेक करता हूँ, जो भी मैं प्रेस करूँगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी चेंज कर लेता हूँ,
लाइक दिस ये। अब मैं जो भी प्रेस करूँगा लाइक NGR ठीक है, वो आपको यहाँ शो। अब मैंने मंकी ऐड कर दिया ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं दो तरीके हैं, एक मूव रोटेट स्केल करने का, एक टूल बार के जरिए और एक शॉर्टकट के जरिए। टूल बार के जरिए मैंने सिखा दिया, अब शॉर्टकट के जरिए सिखाता हूँ। हम मूव टूल को ग्रैब टूल कहते हैं ठीक है, ब्लेंडर में ग्रैब कहते हैं। तो ग्रैब का पहला लेटर जी है, दैट्स वाई इफ़ यू सिलेक्ट अवर मंकी एंड प्रेस जी, नाउ यू कैन सी हमारा मंकी मूव हो रहा है ठीक है। जी टू मूव, किसी एक्सिस पे करना है देन सेलेक्ट दैट एक्सिस, लाइक मैंने वाई एक्सिस पे करता हूँ तो मैं जी और वाई प्रेस कर लेता हूँ, जी और एक्स प्रेस कर लेता हूँ एंड जी और जी प्रेस कर लेता हूँ ठीक है, लाइक जी एंड जी। यहाँ पर शो भी हो रहा है। अच्छा तो अब रोटेट का पहला लेटर आर है, रोटेट यानी किसी भी चीज़ को इसका एंगल चेंज करना ठीक है, रोटेट। तो अब आर है तो आर प्रेस करूँगा तो ये फ्रीली रोटेट होगा, किसी एक्सिस पे करना है तो वो एक्सिस में दबा दूंगा, लाइक एक्स वाई एंड जी। सेम फॉर द स्केल, एस प्रेस करूंगा, स्केल का पहला लेटर एस है इसलिए, और कोई भी एक्सेस करना चाहे किसी एक्स एक्सिस, जी एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस ठीक है, राइट क्लिक करना है। अच्छा राइट क्लिक, जब आपने फॉर एग्जांपल मैंने गलती से स्केल कर लिया, मेरा गलती से बटन दब गया, अब मैं लेफ़्ट क्लिक करूंगा ना तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है, मतलब ये इसकी यही शेप रहेगी ठीक है। और अगर मैंने इसे वापस करना है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसे स्केल डाउन कर दूँ, या तो अगर आपने अभी लेफ़्ट क्लिक नहीं किया तो आप राइट क्लिक कर दें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा ठीक है। स्केल किया, राइट क्लिक कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगी इसकी स्केलिंग। अब मैं जी राइट क्लिक किया, कैंसिल हो गई इसकी मूवमेंट, ये देखें। और तो अब मूवमेंट हमने सीख ली है, अब हम चलते हैं ऐड मेन्यू की तरफ ठीक है, जो कि ये वाला मेन्यू है। अब इस मेन्यू का शॉर्टकट है शिफ्ट ए ठीक है। सबसे पहले मैं इस मंकी को डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, लाइक मैश, टेक्स्ट, मेटाबॉल एंड इमेजेस, लाइट, कैमराज ठीक है। बाकी फ़िलहाल मैंने इन सब पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अच्छा सबसे पहले मैश की बात करते हैं। यहाँ पर मैश में बेसिकली हमारे पास बेसिक शेप होती हैं ठीक है, लाइक ये यूवी स्फीयर है, फिर मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ एंड क्यूब ऐड करता हूँ, इसको जी और एक्स दबा के साइड पे मूव कर देता हूँ, फिर ऐड पे जाता हूँ मैश पे और मंकी ऐड कर लेता हूँ, इसको भी जी और एक्स दबा के साइड पर मूव कर देता हूँ। तो हम इस तरह मैश से काफ़ी सारी बेसिक शेप्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद अब इन सबको जब मैं सेलेक्ट करूँगा बॉक्स सेलेक्ट से, फिर एक्स प्रेस करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, अब हम आते हैं मेटाबॉल की तरफ। मेटाबॉल के ऊपर जब आप अपना माउस हवर करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे, फिलहाल हम बॉल पे जाते हैं। ये बेसिकली एक मैग्नेट टाइप बॉल्स हैं ठीक है, इससे आप काफ़ी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं ठीक है। अब ये तो एक काफ़ी रफ सा स्फीयर लग रहा है, इसमें तो कुछ खास नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है, लेकिन इसको हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा उस शानदार रिजल्ट के लिए। डुप्लीकेट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके सीन में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने सिंपली सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डी दबा देना है तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा ठीक है, और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट डी। अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और जब मैं इसे मूव करूंगा तो ये देखें आपस में मैग्नेट की तरह वर्क कर रहे हैं, ये देखें ये आपस में मैग्नेट की तरह वर्क कर रहे हैं ठीक है। तो इससे आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं, मेटाबॉल्स हैं ठीक है। फिर से शिफ्ट डी किया तो आप इसको और भी काफ़ी मज़े की बना सकते हैं रिजल्ट्स, शिफ्ट डी ठीक है, शिफ्ट डी यहाँ पर देन शिफ्ट डी इसको इस तरह। तो ये देखिए मैंने चंद ही बार ही इसको डुप्लीकेट किया है और मेरे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ चुका है। और इससे हम ये भी रिजल्ट बना सकते हैं, अगर मैं इन सबको डिलीट करूँ, शिफ्ट ए मेटाबॉल, मैं यहाँ पर वाई एक्सिस वाले व्यू पे गया हूँ, माइनस वाई एक्सिस पे मेटाबॉल। अब मैं कोई ह्यूमन बनाता हूँ ठीक है, शिफ्ट डी यहाँ पर लाया, इसको स्केल कर दिया लाइक दिस, देन शिफ्ट डी यहाँ पर ले आया इस तरह, शिफ्ट डी इस तरह, देन लास्ट टाइम, देन सेम विद दी अदर साइड, देन अगेन प्रेस शिफ्ट डी, थोड़ा सा साइज कम कर दें एस प्रेस करके और जी प्रेस करके मूव कर दें, देन शिफ्ट दी इसको थोड़ा सा मूव कर दें, जी प्रेस करके स्केल डाउन कर दें थोड़ा सा, फिर दोबारा शिफ्ट दी करें हेड बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा स्केल कर दें एंड पाँव भी आपने सिंपल वैसे ही बनाने हैं ठीक है। मैं इसको शिफ्ट डी करूँगा स्केल,
ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास एक पाँव टाइप बन गया है, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट मोर स्टफ विद दिस, बट आपको एक आइडिया हो गया कि दिस इज़ अ नाइस टूल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिर कैप्सूल भी है, ठीक है, इसको अभी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वर्क करती है, बस शेप थोड़ी सी चेंज है। एंड उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आता है। अब टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी मर्जी का टेक्स्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। आप अभी हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमने ऑब्जेक्ट मोड में सीखा है। ऑब्जेक्ट मोड बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी वर्टिसेस वगैरह नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम, अगर हमें मॉडिफाई करना होता है, एडिट करना होता है, हम मॉडिफायर्स के जरिए करते हैं जो कि प्रॉपर्टीज के अंदर है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने मैन्युअली उसको मॉडिफाई करना है और उसकी वर्टिसेस के साथ खेलना है, ठीक है, तो हम तब एडिट मोड यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास ये टेक्स्ट है, मैं ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और एडिट मोड दिख रहा होगा। अब जो मैं एडिट मोड में क्लिक करूँगा और टैब भी प्रेस कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके टैब, तो हम एडिट मोड में आ गए, या फिर आप सिंपली यहाँ पर एडिट मोड पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट चेंज करें, ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब एंड यू शुड सब्सक्राइब प्लीज़। अच्छा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपने एंटर नहीं दबाना, वो नीचे ही जाता रहेगा, आपने वापस ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाना है, ठीक है, लाइक दिस। तो हमारे पास ये इस तरह का टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद है जो कि हम आगे जाके थोड़ा सा सीखेंगे। मैं टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ। अब ये कैमरा और लाइट हम आगे जाके सीखेंगे वीडियो में। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट इज़ एडिट मोड, मैश के साथ बताता हूँ, क्योंकि एज यू कैन सी टेक्स्ट वॉज नॉट अन ऑब्जेक्ट, इट वॉज नॉट अ मैश, क्योंकि उसकी वर्टिसेस वगैरह नहीं, ठीक है, और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप, मैं क्यूब को सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल गो टू एडिट मोड। और यहाँ पर जो ही आप देखें एडिट मोड पे मैं जो ही गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास टूल बार है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें और भी टूल्स आ चुके हैं और हमारे पास जो क्यूब है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यानी इसकी हम वर्टिसेस, मैं पूरा क्यूब सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, अब हम इसकी वर्टिसेस ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ गुड फॉर एडिटिंग आवर मैश मैन्युअली। तो मैं देखें इनको जी प्रेस करके मूव कर सकता हूँ, डिफरेंट वर्टिसेस को सेलेक्ट करके, मल्टीपल वर्टिसेस को सेलेक्ट करके, शिफ्ट प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा लाइक दिस। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने एजेस सेलेक्ट करनी है, फिर वर्टिसेस सेलेक्ट नहीं करनी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहला ऑप्शन हमारे पास वर्टेक्स सेलेक्ट का है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास एज सेलेक्ट का है। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया, अब हम एजेस जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें इनकी एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्केल, रोटेट। एंड थर्ड ऑप्शन फेस सेलेक्ट है, यानी हम फेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको रोटेट, स्केल, ठीक है, इसको किसी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये हो गया। अच्छा, अब मूव रोटेट स्केल तो हमने एडिट मोड में भी पता है और हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है, वर्टिसेस, एजेस और फेसेस सेलेक्ट करते हैं हम एडिट मोड में, लेकिन ये सारे टूल्स का क्या। अब इनमें यहाँ तक जो टूल्स हैं वो ऑब्जेक्ट मोड में थे जो कि मैंने आपको बता दिए थे अब यहाँ तक। और अब मैं आपको आज की वीडियो में जो टूल्स बताऊंगा वो ये हैं, एक्सट्रूड, इनसेट, बेवल, लूप कट और नाइफ टूल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स और इन पांच टूल्स को ही यूज़ करके आप पूरा पूरा सीन भी बना सकते हैं, पूरा मॉडल। तो एक्सट्रूड से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस फेस को मैंने एक्सट्रूड करना है, लेकिन सबसे पहले एक्सट्रूड करने से पहले मैं ज़रा अनडू करना चाहता हूँ ताकि ये वाला जो फेस है ये वापस ओरिजिनल साइज़ पे आ जाए, जब मैंने इसको स्केल किया था उससे पहले वाले मूवमेंट पे आ जाए। तो उस अनडू करने के लिए मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा एज इन एवरी सॉफ्टवेयर, और रीड्यू करने के लिए आपने शिफ्ट कंट्रोल जी, अनडू के लिए कंट्रोल जी, रीड्यू के लिए शिफ्ट कंट्रोल जी। तो अभी मैं कंट्रोल जी प्रेस कर लेता हूँ लाइक दिस एंड नाउ। अब मैंने फॉर एग्जांपल इस फेस को एक्सटेंड करना है, ठीक है, उसके लिए मैं एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपने अपना माउस आगे ड्रैग करना है और ये देखिए फेस एक्सटेंड हो गया है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फेस एक्सटेंड करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको एक्सट्रूड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से फेस एक्सटेंड करना है, इस पर क्लिक करूँगा, इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। अच्छा, एक्सट्रूड का शॉर्टकट जो है वो है ई, ठीक है, एक्सट्रूड ई से स्टार्ट होता है तो एक्सट्रूड का शॉर्टकट भी ई ही है। यहाँ से भी इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, देन एक्सट्रूड इट अगेन, देन यहाँ से भी,
फ्रॉम हियर एज वेल। तो यहाँ पर देखें मैं बस इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ रैंडमली एंड ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स, मतलब काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट्स हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये देखें। तो लेट मी स्टॉप ओवर हियर, लेकिन नहीं बल्कि लेट्स गो ऑन, इसको यहाँ से भी एक्सट्रूड करें, यहाँ से भी, देन फ्रॉम हियर एज वेल, ऐसे, देन इन एरियाज में भी एक्सट्रूड करें इन्हें। और आप मल्टीपल फेसेस को भी सिलेक्ट करके, शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब ये देखिए सिर्फ एक्सट्रूड के ज़रिए मैंने कैसी फेस बना लिया, ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस फेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है इनसेट। इनसेट बेसिकली फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मुझे जो मेरा पेंसिल टूल था वो भी यूज़ काम आ गया है। अब मैं तो खैर अपने फेस को उसके ओरिजिनल साइज पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ जो कि ये है, ठीक है, यानी मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये फेस, इसकी शेप और साइज़ मेंटेन रहे, लेकिन इस फेस ये थोड़ा सा किसी तरह श्रिंक हो जाए, मतलब साइज़ में नहीं, इसके अंदर ही एक और फेस बन जाए कुछ इस तरह करके, जिसको मैं देन लेटर ऑन एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है, और मज़े का फेस बन जाएगा, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स टू क्रिएट अ होल इन दिस क्यूब, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस क्यूब के अंदर एक होल बन जाए। तो उस होल को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है, इस पर इंसर्ट करना है आई, इंसर्ट का पहला लेटर आई है तो आई ही होगा, लेकिन हम पहले यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कल आ गया है, ठीक है, तो इस सर्कल पे जब मैं लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा माउस, तो ये देखें वो फेस उसका साइज़ मेंटेन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से ही एक फेस श्रिंक हो रहा है, ठीक है। सो अब मैंने लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया है तो ये यहाँ पर फाइनल हो गया है। अब मैं ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं इस सर्कल पर आता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ, ई प्रेस करके इसको अंदर ले आता हूँ, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक होल बन गया है एंड इट्स नाइस, ठीक है। मैं वापस सेलेक्ट बॉक्स पर आता हूँ क्योंकि अब मैं अपनी शॉर्ट की जो है वो ही यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक किया, आई टू इंसर्ट, ई टू एक्सट्रूड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये चार फेसेस बने हैं, इनको मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये सारे एक साथ इंसर्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये इंडिविजुअली इंसर्ट हो, यानी ये ऐसे इंसर्ट हो इस तरह, कि मैन्युअली तो परफेक्ट नहीं होगा। तो इसके करने के लिए मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, और मैं डबल आई प्रेस करूँगा। डबल आई से क्या होता है कि ये इंडिविजुअली इंसर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट बन चुका है। एंड यही वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा से यहाँ किसी और क्यूब पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के अपना मिडिल माउस क्लिक करके, शिफ्ट दबा के अपना माउस ड्रैग कर रहा हूँ तो हम लोग अपने सीन में पैन कर रहे हैं। खाली मिडिल माउस दबाऊँगा तो हम रोटेट करेंगे, और शिफ्ट दबा के मिडिल माउस दबा के फिर जब मैं अपना माउस मूव करूँगा तो हम पैन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, एक्सट्रूड इन करता हूँ। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, कंट्रोल जी करना है क्योंकि मैंने गलती से इसको सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट दबा के इसको, आई प्रेस करना है एंड देन एक्सट्रूड इन एज वेल, ठीक है। उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के लाइक दिस। अब एक बहुत अच्छा और डिटेल किस्म की ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, ये अभी आप देखिएगा। सिर्फ एक्सट्रूड और इंसर्ट वगैरह को यूज़ करके मैं इसे भी इंसर्ट करता हूँ आई प्रेस करके, बिल्कुल हल्का सा इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट बन गया, इसको हम अंदर की तरफ भी कर सकते हैं एंड इट इज़ मच बेटर, ठीक है। इस फेस को मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ, इंसर्ट, एक्सट्रूड, ठीक है, इन सब को सेलेक्ट करें, एक्सट्रूड, इंसर्ट, ठीक है। तो देखें सिर्फ एक्सट्रूड इंसर्ट से हमने इतना कुछ बना दिया है, सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है एक्सट्रूड हो गया, इंसर्ट हो गया, जो कि है बेबल। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो एज है ना इसकी, ये राउंड हो जाए, ठीक है। एक दफ़ा फिर मुझे पेन टूल काम आ रहा है, यहाँ पर ये देखें अभी ये कुछ इस तरह इसका एंगल है 90 डिग्रीज, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉर्नर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ऐसे ना हो, ये इस तरह आई स्ट्रेट और फिर ये इस तरह कर्व हो, तो वो करने के लिए हम इसको बेवल कहते हैं।
तो बेवल हम मॉडिफायर यानी यहाँ प्रॉपर्टीज के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल कर लेगा और समटाइम्स वो काम भी नहीं करता। तो इसको मैन्युअली करने के लिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में लेके जाऊंगा, टैप प्रेस करके मैं अपने इस फेस को सेलेक्ट, पहले मैं फेस को बेवल करूंगा, उसके बाद एज को और फिर वर्टेक्स को। ठीक है, वर्टेक्स को बेवल करना थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को सेलेक्ट करूंगा, बेवल टूल पर आऊंगा। अब हमारे पास कुछ इस तरह का सिंपल आ गया। इस पर जब मैं माउस क्लिक करके इसको बाहर की तरफ लेकर आऊंगा तो देखिए हमारा जो फेस है उसकी जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, बेवल का जो हमारे पास शॉर्ट ये है वो कंट्रोल बी है। ठीक है, कंट्रोल बी प्रेस किया। अब ये तो खैर उस तरह स्मूथ नहीं है जिस तरह मैं बता रहा था। ठीक है, अभी आपने लेफ्ट क्लिक नहीं करना। ठीक है, आप अपना माउस दूर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा बेवल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो आपस में इंटरसेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मैं इसको तकरीबन इतना कर लेता हूँ। और अब मैं अपना जब स्क्रॉल व्हील, अभी क्लिक नहीं रखना, ठीक है, क्लिक नहीं करना। अब जब मैं अपना स्क्रॉल व्हील बढ़ाऊंगा, एज यू कैन सी इट्स गेटिंग मोर स्मूथर, देर आर मोर वर्टिसेस एंड एजेस एडिंग, और ये ज़्यादा स्मूथ होता जा रहा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना। ठीक है, आपने तकरीबन इतना रखना है लाइक दिस, और अब आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखें ये यहाँ से स्मूथ हो गया। अब यहाँ पर मैं टू प्रेस करता हूँ इस पे जाने के लिए। ठीक है, इन वर्टिसेस फेसेस और एजेस वाले सेलेक्ट पे जाने के लिए आपने 1 2 3 करना है, नम पैड वाला नहीं, जो लेटर्स के ऊपर नंबर्स होते हैं। 1 टू गो टू वर्टेक्स सेलेक्ट, 2 फॉर एजेस एंड 3 फॉर फेसेस। मैं 2 प्रेस करता हूँ ताकि मैं एज सेलेक्ट पर आ जाऊँ, उसके बाद मैं इस एज को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और ये देखें ये इस तरह बेवल हो चुकी है। ठीक है, देन इसको कंट्रोल बी बेवल कर दिया, ये देखें। ऑलराइट, तो आप इस तरह काफ़ी कुछ इससे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फन टूल टू प्ले विद एंड ये बहुत हेल्पफुल होती है। मैं शिफ्ट दबा के तीनों एजेस को सेलेक्ट करके हल्का सा बेवल कर देता हूँ एंड फिलहाल छोड़ें। अच्छा, अब वर्टेक्स को बेवल करना थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके बेवल करूँ ना कंट्रोल बी प्रेस करके तो ये बेवल नहीं हो रहा। वर्टेक्स को बेवल करने के लिए आपको कंट्रोल बी नहीं कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना होता है। ठीक है, अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक वर्टेक्स बेवल हो रही है। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, कंट्रोल बी टू बेवल, और अगर मैं अपना स्क्रॉल व्हील ज़ीरो कर दूंगा कुछ इस तरह का हमारे पास ट्रायंगल बनेगा, और जितनी बार ज़्यादा करूंगा उतना स्मूथ ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लेट्स से मैं इसको इतना करता हूँ एंड ये हमारे पास बेवल हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास ये टूल है। अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, लूप कट। ठीक है, अब लूप कट भी बहुत ज़्यादा हैंडी आता है जब भी आप कोई लार्ज सीन्स बना रहे हैं, कोई भी मॉडल बना रहे हैं, लूप कट उसमें आपको ज़रूर काम आएगा। ठीक है, अब लूप कट मैं आपको इस जगह पर डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, इस वाले फेस पे। अब फॉर एग्जांपल इसके दरमियान में मुझे एक एज चाहिए जिसको मैं मूव वगैरह करूँ। ठीक है, तो अब मेरे से वो हो नहीं रहा तो मैं कैसे करूँ, उसके लिए हम लूप कट यूज़ करते हैं। तो लूप कट यहाँ ऐड करने के लिए, यहाँ एक वर्टिसेस या एजेस ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर देखें जून में अपना माउस अभी मैं क्लिक भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास ये येलो कलर के लाइंस आ रही हैं जो कि उस फेस को जिसके ऊपर मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ उसको पूरा लूप कर रही हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लूप कट कहते हैं। अब इसका शॉर्ट की है कंट्रोल आर। ठीक है, इस पर जब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पर हम डिफरेंट जगहों पर मतलब लूप कट ला सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और इसके ऊपर मैं माउस लाऊँगा तो ये कुछ इस तरह लूप कट ऐड होगी। अब जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये हमारे साथ मूव होगी हमारे माउस के साथ। ये बेसिकली कंफर्म कर रही है कि आपने दरमियान में ही लाना है या थोड़ा साइड में भी लाना है। मैंने फ़िलहाल दरमियान में ही लाना है तो मैं राइट क्लिक कर लूँगा क्योंकि मैंने गलती से साइड पर मूव कर दिया और मैं परफेक्टली सेंटर में नहीं ला सकता, तो मैं राइट क्लिक कर दूँगा ताकि वो ओरिजिनल जगह पर आ जाए। उसके बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये लूप कट आ गई है। ठीक है, इस लूप कट को अब हम मूव कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लूप कट ऐड करके बेवल करने का एक और बहुत मज़े का हमारे पास एक इफ़ेक्ट आता है। आप इसको कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल करें और स्क्रॉल व्हील को फुल नीचे करें ताकि हमारे पास कोई भी एजेस ना आए उस बेवल के दरमियान में, और मैं इसको तकरीबन इतना कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ई प्रेस करना है। अब ये सही तरह ई एक्सट्रूड नहीं हो रहा, मैं चाह रहा हूँ ये हर एंगल से अंदर की तरफ जाए, तो मैं ई और एस प्रेस कर दूंगा। अब ये एक्सट्रूड भी होगा और साथ स्केल भी होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेता हूँ लाइक दिस,
एंड एज यू कैन सी हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और मैं अपना स्क्रॉल व्हील जब बढ़ाऊँगा तो हमारे पास मल्टीपल लूप कट्स आएंगे, ठीक है, एक के बजाय काफ़ी सारे आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 ऐड करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक कर दूँगा ओरिजिनल जगह पर लाने के लिए। कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, ई एंड एस, ठीक है, और मैं इसे बाहर की तरफ स्केल कर दूँगा, ये चलें अंदर की तरफ कर लेते हैं लाइक दिस। उसके बाद मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा 3 प्रेस करके, आई टू इनसेट, ई टू एक्सट्रूड, शिफ्ट टू सेलेक्ट मल्टीपल फेसेस, डबल आई टू इंडिविजुअल फेसेस, देन ई टू एक्सट्रूड अगेन, ठीक है, देन कंट्रोल बी टू बेवल, ठीक है, लाइक दिस। एंड दिस इज़ द बेसिक स्टफ। और ये देखें इन टूल्स को यूज़ करके हमने कितने डिटेल्ड ऑब्जेक्ट बना लिया सम एरियाज़ में, ठीक है। तो ये हो गया एडिट मोड के बारे में। अब यहाँ पर और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है, अभी एडिट मोड तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप किसी भी फेस को सेलेक्ट करें ना, अच्छा, अब आप राइट क्लिक जब करेंगे आपके पास तब भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और सम ऑफ दीज ऑप्शंस आर सिमिलर टू दीज ऑप्शंस, ठीक है, मतलब यार टूल बार से काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं राइट क्लिक में। तो मैं आपको राइट क्लिक वाला जो मेन्यू है वो मैं सिखाता हूँ, बस मैं लास्ट टूल आपको सिखा लूँ, नाइफ टूल, ये वाला टूल, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इस एरिया में मैंने अपनी मर्जी की शेप कट करनी है, ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा नाइफ टूल पे, हमारा जो कर्सर है वो नाइफ की तरह बन गया। अब आप यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करें लाइक दिस और कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी फेस बना लें, ठीक है। लेट्स से मैं ये बनाता हूँ। उसके बाद लास्टली आपने कनेक्ट कर लेना है अपने स्टार्टिंग वर्टेक्स के साथ, एंटर कर दें। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का फेस आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आइज भी बना लेता हूँ, एंटर, एंड देन द सेम फॉर दिस। उसके बाद मैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह की लाइंस बना लेता हूँ, एंटर, लास्टली, ऑलराइट। उसके बाद मैं सेलेक्ट बॉक्स पर जाऊंगा और इन शिफ्ट दबा के इन फेसेस को सेलेक्ट करूंगा, डिलीट फेसेस पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं एडिट मोड में डिलीट करता हूं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, डिलीट वर्टिसेस, फेसेस और एजेस। मैंने इस बार फेसेस करने थे इसलिए मैंने फेसेस पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास कुछ इस तरह का शेप बन गया है यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं फिर से एडिट मोड में जाता हूँ। अब इसका शॉर्टकट जो है वो के है, के प्रेस करना है और यहाँ पर अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप या लेटर या नंबर जो भी लाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ए बनाता हूँ, देन के, ठीक है, कुछ इस तरह, एंड एंटर, 3 प्रेस करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, इन दोनों को डिलीट, एक्सप्रेस करूँगा डिलीट और फेसेस, और हमारे पास यहाँ ए बन चुका है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके, इसको भी, और अब मैं ई प्रेस कर दूँगा एक्सट्रूड बाहर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह का करूँगा लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा अंदर की तरफ एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। एक्सट्रूड करना है मैंने एक्स एक्सिस पे तो मैं ई और एक्स दबा दूँगा लाइक दिस। हमारे पास कुछ इस तरह एक्सट्रूड हो गया। मैं 3 प्रेस करूँगा, शिफ्ट दबा के इन फेसेस को सेलेक्ट करना है और एक्सट्रूड इनसाइड कर लें, और हमारे पास कुछ इस तरह का शेप बन चुका है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। अच्छा, अब एडिट मोड में लास्ट चीज़ मैंने आपको बतानी है कि अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरी लूप को सिलेक्ट करनी है, ठीक है, अब बजाय मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, उसके बाद शिफ्ट क्लिक करूँ यहाँ पर, फिर शिफ्ट क्लिक करूँ यहाँ पर, आपने पूरी लूप जब सेलेक्ट करनी है तो आप ऑल्ट प्रेस करके उस लूप पे क्लिक करने तो वो पूरी लूप आपके लिए सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल्ट दबा के सेलेक्ट किया तो पूरी लूप सेलेक्ट करती, ऑल्ट दबा के सेलेक्ट किया पूरी लूप सेलेक्ट कर दी, ठीक है। अब आप शिफ्ट और जब दबाएंगे तो वो आपके लिए शिफ्ट मतलब मल्टीपल और ऑल्ट मतलब लूप कट सेलेक्ट करें तो वो आपके लिए मल्टीपल लूप कट सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर दें, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट या ऑल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट क्या कहते हैं एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, लूप्स को, ठीक है। तो अब राइट क्लिक के बारे में बात करते हैं।
जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रूड 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 के तीन ऑप्शन आएंगे, फिर इंसर्ट। ठीक है, ये बेसिकली कुछ हैं जो कि अभी थोड़े से एडवांस है, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो मेन चीज है ना आपके पास, ये खैर लूप टूल का ऑप्शन ही होगा, ये भी एड ऑन है। ठीक है, सब डिवाइड बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने चाहता हूँ कि दरमियान में एक वर्टेक्स आए। ठीक है, यानी कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, ये सब डिवाइड हो जाए। यानी मैं आपको फिर से पेन टूल के जरिए बताता हूँ। अच्छा, यानी यहाँ पर बजाय कि मैं पूरा मतलब इस तरह भी एज लाऊं, इस तरह भी एज लाऊं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर मेरे पास एक वर्टेक्स आए। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं इसको सब डिवाइड कर सकता हूँ। उससे बेसिकली क्या होगा कि हम लोग सिर्फ इस फेस में ये और यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, फिर इसको भी सब डिवाइड करेंगे, मतलब इस फेस को भी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर लाएगा इन सब को। ठीक है, फिर इन सब को, फिर उसके बाद इन सब को। ठीक है, तो मतलब करते करते आप सब डिवाइन करते रहेंगे अपने फेस में। तो उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, अपने फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा सब डिवाइड पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, तो ये एक दफ़ा सब डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बेवल करें, एक्सट्रूड करें। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडू करने के लिए, फिर राइट क्लिक सब डिवाइड दोबारा करेंगे तो इस तरह सब डिवाइड हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा एंड एक्सट्रूड कर दूँगा। रुकें, मैं इसको कंट्रोल बी लाइक दिस, और अब मैं सेलेक्ट थ्री प्रेस करूँगा और मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ स्टफ लाइक दैट। एंड मतलब आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इससे। ठीक है, मैं यहाँ पर रैंडम फेसेस सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह, और मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इन्हें। एंड या अब राइट क्लिक में खैर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे नहीं हैं, यानी पोक फेस भी थोड़ा सा हार्ड है बिगिनर्स के लिए। इसमें बस क्या होता है कि सब डिवाइड ही होता है लेकिन क्रॉस की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का, इस तरह की शेप बनती है, फिर आप इसे बेवल करें, एक्सट्रूड करें, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, जो सब डिवाइड है उसमें आप ब्लस की फॉर्म में कर सकते हैं लाइक दिस, और पोक फेसेस में आप क्रॉस की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, पोक फेस, ठीक है, कुछ इस तरह। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आपकी टोपोलॉजी, तो इसलिए सब डिवीजन इज़ बेटर। ठीक है, लेकिन पोक फेसेस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर आपके पास और कुछ है, अनसब डिवाइड है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस को बहुत ज़्यादा सब डिवाइड कर दिया है, अनसब डिवाइड करने के लिए मैं सिंपली अनसब डिवाइड पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करेगा, लेकिन सम टाइम इट वर्क्स। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर मैं पोक फेसेस करूँ, अनसब डिवाइड करूँगा, तो थोड़ा बहुत काम, बल्कि ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो कभी कभार ये बहुत ज़्यादा काम करता है अनसब डिवाइड, लेकिन कभी कभार ये बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, लाइक अभी ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप सिंपली फ़िलहाल अनसब डिवाइड को छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मॉडिफायर्स। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं एडिट मोड के थ्रू, जो कि हम एडिट मोड के थ्रू ही कर सकते हैं, यानी बेवल वगैरह, लेकिन उनके लिए मॉडिफायर्स भी होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर होते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, एक क्यूब ऐड करता हूँ। अब इस पर जूम इन करना है इस ऑब्जेक्ट पे, तो इसको सेलेक्ट करूँगा और नम पैड पे जो डॉट है यानी डेल, उस पर मैं क्लिक कर दूँगा और मैं इस पर आ जाऊँगा। ठीक है, जूम इन हो जाऊंगा। अब मॉडिफायर्स बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ में ये रेंच वाला ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके पास ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप टाइप कर लें आपको जो भी मॉडिफायर चाहिए। बेवल मॉडिफायर था, ठीक है, बेवल हमने किया, अब यहाँ पर हम बेवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल करेगा। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा बेवल मॉडिफायर पर, तो हमारे पास यहाँ पर मॉडिफायर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को सिंपली इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है और अपना माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इस तरह आप इसको बेवल भी कर सकते हैं और इसमें सेगमेंट्स भी ज़्यादा कर सकते हैं, कितने स्मूथ आपको चाहिए कर्व्स। और बेसिकली जो बेसिक्स हैं वो यही हैं। अब वर्टिसेस पे क्लिक करूँगा तो ये वर्टिसेस को बेवल करेंगे, एजेस पे क्लिक करूँगा तो ये एजेस को बेवल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, मैंने आपको बताया था एक्सट्रूड, लेकिन यहाँ एक्सट्रूड मॉडिफायर नहीं होता। ठीक है, बेवल मॉडिफायर है और मतलब कुछ इस तरह। ठीक है, अब मैं आपको दो तीन मॉडिफायर और बताता हूँ। ठीक है, अरे मॉडिफायर, ठीक है, ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की आर्मी बना लेती है,
ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कर लेता हूँ, लाइक इसके अकाउंट में 6 कर लेता हूँ। अब यहाँ 6 क्यूब्स हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब मैं इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा खुला कर लेता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ और इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे थोड़ा खुले हो गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्यूब ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो हमारे पास वर्टिसेस वगैरह सिर्फ इसकी हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर मूव करूँगा तो वही चीज़ मतलब इन सब में भी अप्लाई होगी, ठीक है। सो इट्स रियली पावरफुल, ठीक है। अब मैं इसको फिर से क्रॉस कर लेता हूँ, और लेकिन क्रॉस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप इसमें इन सब वैल्यूज़ को चेंज करके जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, इन सब में आप अपनी मर्ज़ी से इनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। बेसिकली ये मॉडिफायर जो है ना, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपके हर कॉर्नर्स, हर शार्प ऑब्जेक्ट, हर फ्लैट ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर लेता है, ठीक है। अब क्यूब जो था वो स्मूथ हो गया, अब इसकी लेवल्स को अगर मैं 2 करूँगा तो वो और स्मूथ हो जाएगा, दोबारा से प्रेस 3 कर दूंगा तो और स्मूथ हो जाएगा। लेकिन इसको 4 से ज़्यादा ना कीजिएगा, आपका सीन लैग हो जाएगा, ख़ास तौर पे बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। इसको मैं 2 कर लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर तो फिर भी कॉर्नर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उनसे रिड ऑफ मतलब होने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ कर दूँगा। पहले इसकी शेडिंग फ्लैट थी, अब इसकी शेडिंग स्मूथ हो गई। अब आप तो ऐसे भी कह सकते थे कि हम खाली शेड स्मूथ कर लेते, लेकिन नहीं, शेड स्मूथ से सिर्फ इसकी शेडिंग स्मूथ होगी, ये खुद नहीं स्मूथ होगा। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं एक स्फीयर पे जाता हूँ, शिफ्ट ए, मैश, एक यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ। अब राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए इसकी शेडिंग स्मूथ हो गई है, लेकिन इसके अभी भी एजेस पे देखें यहाँ कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। तो इसको एक्स्ट्रा स्मूथ करने के लिए आप सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करते हैं, और एज यू कैन सी अब ये काफ़ी स्मूथ हो गया। इसको 2 पे कर दूँगा तो ये और भी स्मूथ हो जाएगा। तो अब इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मंकी हेड पे मंकी हेड ऐड करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ, तो उसकी शेडिंग स्मूथ हो जाएगी लेकिन वियर्डली, ठीक है, उसके अभी भी कॉर्नर्स वगैरह हैं। लेकिन जब मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करूँगा तो ये देखिए हमारा मंकी कितना ज़्यादा बेटर हो गया, ठीक है। इसको मैं 2 करूँगा तो वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। सो या अब ये मॉडिफायर्स हमें इस तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे और मॉडिफायर हैं, मतलब सॉलिडिफाइड, डिस्प्लेस, रिमैश, मिरर, ठीक है, स्विंग रैप, ओशन, स्मूथ, तो इस तरह काफ़ी मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम फिलहाल चंद ही सीखेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको सारे मॉडिफायर, सारे टूल, सारा कुछ सिखाने में लग गया, क्योंकि आगे हमने लाइटनिंग, कैमरा, वो सारा कुछ भी सीखना है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, तो फिर ये वीडियो कोई 8-9 घंटे की तो हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली बेसिक्स सिखाऊंगा मैं आपको, अगर मैंने आपको और चीज़ें सिखाई तो आपको बेसिक्स भूल जाएंगे, ठीक है। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन बेसिक्स। अब यहाँ पर हम लोग इस पे ऐड कर लेते हैं सबडिवीजन सरफेस मॉडिफायर, इसके लेवल्स को 2 कर लेते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। अब हाउ सबडिवीजन सरफेस मॉडिफायर वर्क्स, बिकॉज ये इस तरह वर्क करता है कि आपके ऑब्जेक्ट में ये और ज़्यादा वर्टिसेस वगैरह ले आता है और एजेस ले आता है, ताकि आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ हो जाए, क्योंकि मोर वर्टिसेस द मोर योर ऑब्जेक्ट विल बी स्मूथर, द लेस वर्टिसेस द लेस योर ऑब्जेक्ट विल बी स्मूथर, ठीक है। तो अब जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो हैं ये तो उतने ही वर्टिसेस वगैरह हैं, यहाँ तो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉडिफायर को हमें अप्लाई करना होगा ताकि इसका इफेक्ट एडिट मोड में आए, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में हमें सिर्फ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने 2 लेवल्स किए हैं इसका इफेक्ट हमें एडिट मोड में भी आए, तो उसके लिए हमें इस मॉडिफायर को अप्लाई करना होगा। जब हम अप्लाई कर लेंगे तो हमें वो एडिट मोड में भी उसका जो इफेक्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अब बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्टिसेस आएंगी, थोड़ा कम करेंगे तो कम वर्टिसेस आएंगी, ठीक है। तो मैं इसको 2 पे ही रखता हूँ। अब आप देखें, पहले बिफोर देख लें आपकी वर्टिसेस इतनी हैं। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा या फिर यहाँ पर अप्लाई ऑल, ठीक है, अप्लाई ऑल मतलब सारे जितने भी मॉडिफायर्स अप्लाई हो जाए, इन दिस केस हमारे पास एक ही मॉडिफायर है, तो या तो आप उसके ऊपर अपना माउस लेके जाकर कंट्रोल ए प्रेस कर दें, या तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर दें, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें। अब जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये अप्लाई हो गया, और अब जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो देखिए हमारे पास काफ़ी सारे मॉडिफायर्स, सॉरी काफ़ी सारी वर्टिसेस आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एडिट मोड में ही हूँ, तो एडिट मोड में एक और फन टूल है, वो भी मैं आपको सिखा लेता हूँ, उसका नाम है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये ईयर मूव करूँ यहाँ से, पूरा ईयर और ये थोड़ा बहुत एरिया, ठीक है, लेकिन अब ये मूव नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ एक वर्टेक्स मूव हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग, और इसकी शॉर्ट की है ओ। प्रोपोर्शनल एडिटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगी,
अब आप यहाँ से कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट करें, जी प्रेस करें, तो ये देखें अभी हमारे पास एक सर्कल आ रहा है। जब भी मैं रोटेट, स्केल और मूव कर रहा हूँ, वो इसलिए कि इस सर्कल के अंदर जितना भी एरिया है वो सारा इस वर्टिसेस के साथ, इस वर्टेक्स के साथ मूव होगा, ठीक है। और अगर मैं स्क्रॉल व्हील को बढ़ाऊँ तो ये सर्कल बड़ा होगा, थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ मूव कर लेता हूँ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके नीचे मूव कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का ईयर है। उसके बाद इसकी नोज पे मैं क्लिक करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ ले आता हूँ लाइक दिस। देन इसकी तरफ क्लिक करके इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, देन इसको थोड़ा आगे, ठीक है, इसको अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं। इन आइज़ को भी मैं आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। हम लोग इससे काफ़ी कुछ बना सकते हैं, ठीक है, प्रोपोजल एडिटिंग के ज़रिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड करता हूँ, मैंने एक हिल्स वगैरह बनाने हैं। हिल्स के लिए आप लोग सोच रहे होंगे हम तो बिगिनर हैं, हमें नहीं आता, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप फुल जोर लगाएं अपने माइंड पे और गेस करें आप लोग हिल्स कैसे बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ दो टूल्स यूज़ करके आप हिल्स बना सकते हैं और वो मैंने आपको अभी सिखा लिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं, खैर है, मैं आपको सिखा लेता हूँ, लेकिन अगर पता है तो आप वीडियो यहीं स्टॉप करके खुद क्रिएट करें और सबसे पहले कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, अब जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, सब डिवाइड करता हूँ, ये भी हमने सीखा है, तकरीबन इतनी बार इसे सब डिवाइड कर दूँगा एक और दफ़ा। उसके बाद प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन रखूँगा और यहाँ पर किसी भी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम हिल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह। फिर इस वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा डिफरेंट साइज दे देता हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एंड देन दिस वन, देन दिस वन, स्टफ लाइक दैट, एंड इट्स लुकिंग नाइस, ठीक है। अभी हमारे पास हिल बन गई। राइट क्लिक, शेड स्मूथ करूँगा, और भी स्मूथ करना है तो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ले आऊँगा, इसको मैं बंद कर दूँगा फिलहाल, वाली सही है। और एडिट मोड में इसका इफेक्ट नहीं आया तो मैं इसको अप्लाई कर दूँगा और यहाँ और भी वर्टिसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लाइक सबसे पहले तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है स्मूथ, उसके बाद स्फीयर है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हम स्फीयर की तरह इसको ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है रूट, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह ऊपर से शार्प होगा, नीचे से स्फीयरिक होगा, ठीक है। तो करते करते फिर हमारे पास लीनियर है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्टली इसको ऊपर मूव कर लेगा। और एक बहुत मज़ेदार है ये रैंडम, रैंडम अब बेसिकली क्या करेगा, ये कुछ इस तरह रैंडमली मतलब उसके अराउंड वर्टिसेस को ऊपर मूव करेगा। हल्का सा मूव करें तो थोड़ी डिटेल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा मूव करना है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं हल्का सा ऊपर मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार किस्म का रिज़ल्ट आ चुका है। राइट क्लिक, शेड स्मूथ, अब यहाँ पर भी मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ले आऊँगा, इसको 2 कर दूँगा, और अभी मैंने अप्लाई फ़िलहाल नहीं करना। एंड एज़ यू कैन सी हमारे पास सिर्फ प्रोपोर्शनल एडिटिंग और सब डिवीजन मॉडिफायर को यूज़ करके इतना ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट हिल्स, ठीक है। ये बाकी डिटेलिंग्स तो मैंने वैसे ही ऐड की हैं, ठीक है, वरना तो सिर्फ हिल्स तक ही सही था। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि मैं आपको इन सब टूल्स को यूज़ करके मॉडलिंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे और आई होप आप लोगों को भी वो मॉडल पसंद आया होगा। तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को एडिट मोड, इंटरफेस, नेविगेशन, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया था, लेकिन इस पार्ट में मैं आप लोगों को मॉडिफायर्स और मॉडलिंग के बारे में सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग ये पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप लोग कुछ भी मॉडल कर सकते हैं, कुछ भी बेसिक सा मॉडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता हूँ, बॉक्स सेलेक्ट करके और एक्सप्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। देन आई एम गोना प्रेस शिफ्ट ए और मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ। अब मॉडिफायर्स जो हैं वो आपके काम को काफ़ी इजी बना लेते हैं, और इन दिस केस हम लोग चंद मॉडिफायर्स सीखेंगे जो कि हमारी मॉडलिंग में बहुत काम आएंगे। आई एम नॉट गोना गो थ्रू द ऑल मॉडिफायर्स, लेकिन जो 4-5 मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे मैं गो थ्रू करूँगा। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 मॉडिफायर है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। अब इसका तो हमने पिछले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हमारे पास नॉर्मल प्लेन है, अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ तो ये देखें इसकी 4 वर्टिसेस हैं,
लेकिन अगर मैं इसके सब डिवीजन को फॉर एग्जांपल 2 कर दूं, अब ये देखिए एक तो ये ज़्यादा स्मूथ भी हो गया है और इसकी जो वर्टिसेस हैं वो भी ज़्यादा हो गई हैं। मतलब जो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है वो ऑब्जेक्ट की वर्टिसेस को इंक्रीज करता है, उसकी टोपोलॉजी को इंक्रीज करता है ताकि वो स्मूथ हो जाए। तो पहला मॉडिफायर अब हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ। उसके लिए मैं एक और प्लेन ऐड करता हूँ लाइक दिस। ये बेसिकली आपकी थिकनेस को कंट्रोल करता है आपके ऑब्जेक्ट की। अब ये काफ़ी जगह काम आता है, ठीक है। एक तो मैंने थिकनेस का बता दिया, एक जब आप प्रोडक्ट एनिमेशन करते हैं तो परफ्यूम या बॉटल जो होती है ट्रांसपेरेंट ग्लास की, अब उसको आप शीशे का बना लें तो वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी दिखता है, तो उसके लिए आपको ये काफ़ी काम आता है मॉडिफायर्स, ताकि वो एक मज़ेदार किस्म का इफेक्ट आए ग्लास। तो अब इसको मैं क्लिक करूँगा एड मॉडिफायर, उसके बाद मैं सर्च करूँगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर, एंड एज यू कैन सी अ प्लेन जो है वो थोड़ा बहुत थिक हो चुका है, ठीक है। अब इसकी थिकनेस को मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा और ड्रैग करूंगा क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके। तो जैसे मैं अपनी थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, वैसे मेरे ऑब्जेक्ट की भी थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं एडिट मोड में जाऊंगा तो आप बेशक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ही क्यों ना हो, वो एडिट मोड में ये वर्टिसेस शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसे अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर वर्टिसेस हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ ऊपर भी इसी थिकनेस के हिसाब से वर्टिसेस आ जाएं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऊपर भी वर्टिसेस आ चुकी हैं। ऑलराइट, अगर मैं एक प्लेन और ऐड करता हूँ एंड इस पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाता हूँ, तो ये देखिए एडिट मोड में इसकी 4 वर्टिसेस ही हैं, लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, अब अप्लाई हम यहाँ पर जाकर अप्लाई पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर अब वो मॉडिफायर अप्लाई हो गया है और यहाँ वर्टिसेस वगैरह और उस मॉडिफायर का इफेक्ट जो है वो एडिट मोड में भी आने शुरू हो गया। तो बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अरे मॉडिफायर। इसके लिए मैं कोई और ऑब्जेक्ट लाइक ये वाला ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब अरे मॉडिफायर और डुप्लीकेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। हम डुप्लीकेट कैसे करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डी प्रेस करते हैं और अब ये डुप्लीकेट हो गया है। नाउ हम किसी भी एक्सिस को अगर प्रेस करें लाइक एक्स वाई और जी, तो ये उस एक्सिस पे मूव होगा, ठीक है। अब मैंने इसे डुप्लीकेट किया है तो यहाँ पर अब ये देखिए इन दोनों को मैं सेपरेटली सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब इस मंकी के ऊपर माउस लेके जाके सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ यही सिलेक्ट होता है, एंड सेम फॉर दिस वन। और अगर इन दोनों को मैं एडिट मोड में लेके जाऊँ तो इसकी भी वर्टिसेस डिफरेंटली मूव हो रही है, मतलब इसकी वर्टिसेस को मैं मूव करता हूँ तो ये इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, उसके बाद अब अरे मॉडिफायर आपको समझ आएगा। अब मैंने अरे ऐड किया तो ये देखिए ये तो डुप्लीकेशन ही हो गई, ठीक है। लेकिन अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले मंकी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट होगा बिकॉज दे ऑल आर द सेम ऑब्जेक्ट। और अगर मैं एडिट मोड में जाऊंगा, एज यू कैन सी दिस मंकी डजंट हैव एनी टोपोलॉजी, ठीक है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स वगैरह मूव करता हूँ तो ये यहाँ पर भी इफेक्ट होगा, ये देखें, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, अब इसके काउंट को हम ज्यादा भी कर सकते हैं लाइक 3 डुप्लीकेशंस यू कैन से 4-5, ठीक है। और अगर आप एडिट मोड में आएंगे तो उन सब में ये इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर अपना माउस लेके जाऊँ और ड्रैग करूँ तो ये देखें एक्स एक्सिस पे ये मूव हो गया, थोड़ा सा गैप आ गया है, विच इज़ नाइस। सेम फॉर दी वाई एक्सिस एंड दी जी एक्सिस। ऑलराइट, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें अभी भी ये सारे एक ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और अभी भी मैं इन सब में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर मूव करूँ तो सब में इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो इससे अरे मॉडिफायर से आप लोग फेंसेस वगैरह बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये क्यूब है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ एंड इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फेंस है, अब ये फेंस लग नहीं रहा, लेकिन जब मैं इस पर अरे मॉडिफायर ऐड करूँगा तो ये देखें इट्स लाइक अ फेंस। ऑलराइट, तो इस तरह आप काफ़ी ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है श्रिंक रैप मॉडिफायर, वो मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करके दिखाऊंगा। अब श्रिंक रैप, थोड़ा सा नाम से अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, श्रिंक रैप, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टिकर की तरह रैप हो जाए, ठीक है। लाइक मेरे पास एक राउंड स्फीयर है और यहाँ पर एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्फीयर हमारा एक परफ्यूम बॉटल है लेट्स सपोज, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक लेबल लगाना है। हमें इसको रोटेट करूँगा आर प्रेस करके
और मैं से यहाँ मूव कर दूँगा, थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ लाइक दिस। अब ये लेबल की तरह है लेकिन ये इसके ऊपर पेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेस्ट नहीं हुआ। अब इसे हम पेस्ट कैसे करें, श्रिंक रैप मॉडिफायर के ज़रिए। अब मैं इस लेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऐड कर लूँगा श्रिंक रैप मॉडिफायर। अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने टारगेट ही नहीं सिलेक्ट किया कि हमारा जो ये लेबल है ये किस ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप हो। तो यहाँ टारगेट पे आप या तो यहाँ क्लिक करें तो आपके सीन में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ शो होंगे, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें, या फिर ज़्यादा मुश्किल होती है ऐसे जब आपके सीन में काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो ईजी वे ये है कि आप इस आई ड्रॉपर पर क्लिक करें और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक कर दें। अब ये देखिए हमारा प्लेन जो है ये सही तरह इसके ऊपर पेस्ट नहीं हुआ, लाइक एज यू कैन सी दरमियान से ये फुल अंदर है एंड इट्स स्टिल फ्लैट, ठीक है। आई वांट इट टू बी राउंड। अभी ये क्या है कि ये ऐसे हो गया है स्टिकर, हालांकि इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है, स्फीयर की शेप लेनी चाहिए। तो अब ये क्यों नहीं कर रहा, ये चीज़ आपको समझनी होगी क्यों, क्योंकि कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर ये देखिए ये फ्लैट लेबल है और इसके दरमियान में कोई वर्टेक्स वगैरह नहीं है, सपोर्टिंग एज लूप नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई इसकी स्मूथनेस नहीं है, सिर्फ 4 वर्टिसेस हैं जिनसे ये पेस्ट हो रहा है। अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ, ए प्रेस करूँ ताकि सारा कुछ सिलेक्ट हो जाए, राइट क्लिक करूँ और सब डिवाइड पे क्लिक कर दूँ, अब यहाँ दरमियान में एक वर्टेक्स आ गई है। अब ये देखें, अब ये थोड़ा बहुत पेस्ट हो गया है, मतलब दरमियान से भी, लेकिन अभी भी स्टिल ये इतना हाई क्वालिटी नहीं है और सही तरह पेस्ट नहीं हो। मैं फिर से एडिट मोड में जाऊँगा, एक और दफ़ा सब डिवाइड करूँगा एंड एज यू कैन सी इट्स मच बेटर। लास्ट टाइम सब डिवाइड करूँगा, इट वुड बी वेरी स्मूथ, ठीक है। इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ, इसको भी स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप देखें जो मेरा प्लेन है, लेबल है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है और मैं इसे अगर वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे मूव करूँ तो ये मूव नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ परमानेंटली रैप हो जाएगा, इसके साथ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे मूव करूंगा तो ये सिर्फ स्फीयर की ही शेप लेगा, ठीक है, ये देखें, और ये आगे की तरफ मूव भी नहीं होगा। तो वो करने के लिए हमें ऑफसेट के साथ छेड़ना होता है, ठीक है। इस ऑफसेट को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा तो ये सेम, मतलब अगर मैं इसे मूव करूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बस थोड़ा सा जो हमारा स्फीयर है उसके सरफेस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 0.005 करता हूँ एंड एज यू कैन सी ये बाहर आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह हम वो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉडिफायर है मिरर मॉडिफायर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये आपके करियर में बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसके लिए मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। अब लेट्स सपोज दिस इज़ अ कार, ठीक है, ये एक कार है, आपको यहाँ से भी हेडलाइट बनानी होगी, उसके बाद आप फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी हेडलाइट बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे हम यहाँ से हेडलाइट यहाँ डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपके जो हेडलाइट की सॉकेट है जहाँ पर हेडलाइट होती है, मतलब जो मेन बॉडी होती है कार की, उसके अंदर कार्व्ड आउट होता है हेडलाइट के लिए स्पेस, आपको पहले वो बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह जिसके अंदर हेडलाइट होगी, फिर आपको यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी हेडलाइट के लिए प्लेस, फिर यहाँ बैक लाइट, फिर यहाँ भी बैक लाइट। सो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, और फिर कभी कभार तो एक्यूरेट भी नहीं होता मेजरमेंट, और अगर मेजरमेंट एक्यूरेट हो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। मिरर मॉडिफायर बेसिकली क्या करता है, लाइक लेट्स सपोज दिस इज द सेम कार, ठीक है, सबसे पहले हमें मिरर मॉडिफायर ऐड करने के से पहले इस क्यूब को हाफ कट करना पड़ता है, ठीक है, ये वाला एरिया कट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्यूब को हाफ डिलीट कर दिया और अब ये हमारे पास मिरर है, ठीक है। अब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लें कि अगर आप मिरर के सामने कोई एक्शन करेंगे तो मिरर में वो आपको रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिरर मॉडिफायर ऐड किया है, अब यहाँ पर आप मिरर ऐड कर दें, अब वो मिरर में इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, इस वाले पार्ट की रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हेडलाइट बनाऊंगा तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाएगी, यानी मैं हाफ कोर बनाऊंगा यहाँ से और वो यहाँ पर खुद ही बन जाएगी, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाता है। लाइक लेट्स सपोज मुझे 2 डेज लग रहे हैं एक कार बनाने में, तो वो टाइम हो जाएगा 1 डे, ठीक है। सो या अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को हाफ में कट करना पड़ता है ताकि उसकी हाफ रिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे आ जाए, ऑपोजिट साइड पे। मैं इसे एडिट मोड में लेके जाऊंगा, कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट ऐड करूंगा यहाँ पर और राइट क्लिक कर दूंगा इसकी लोकेशन कैंसिल करने के लिए। उसके बाद मैं 3 प्रेस करूंगा या यहाँ पर प्रेस करूंगा फेस सेलेक्ट के लिए, ये वाला फेस सेलेक्ट करूंगा, डिलीट पर क्लिक करूंगा और वर्टिसेस पे क्लिक कर दूंगा, फिर ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाऊंगा टैप प्रेस करके। अब यहाँ पर हमारा क्यूब हाफ में डिलीट हो गया है। अब मैं ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करूंगा और ऐड कर लूंगा मिरर मॉडिफायर, ठीक है।
अब हमारा क्यूब फिर से फुल हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब मैं एडिट मोड में जाऊंगा तो देखिए इस साइड वाले क्यूब की तो कोई मतलब वर्टिसेस वगैरह नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर मिरर हो चुका है। अब जो भी चीज मैं यहाँ पर करूंगा वो दूसरी साइड पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। लाइक लेट सपोज मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, वो देखिए वो दूसरी साइड पे कॉपी हो रही है। थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ, फिर इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट एक्सट्रूड एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट एक्सट्रूड, और अब आप देखें ये इस साइड पे भी आ चुका है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है मिरर मॉडिफायर को यूज करके। अब आप में से कुछ लोगों का जो मिरर मॉडिफायर है वो सही काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने उसे सही एक्सेस से कट नहीं किया होगा। मतलब मेरा क्या है, अब देखिए मैंने इसको यहाँ दरमियान से कट किया है और जो इसका मिरर है वो एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस सिलेक्ट है। अगर आपके पास सही नहीं आ रहा वाई एक्सिस पे कर लें, शायद तब सही हो जाए, मेरा सही नहीं हो रहा, और जी एक्सिस पे कर लें तब भी ये जी एक्सिस पे मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वाई पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसे मूव करूँ तो ये देखिए ये वाई एक्सिस पे मिरर हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पे जेड पे क्लिक करूँ, इसको मूव करूं, तो ये देखिए ये जेड एक्सिस पे मिरर हुआ है। लेकिन इन दिस केस मुझे एक्स एक्सिस चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर दीजिएगा। तो गाइस अब सेव करने के बाद अगर मैं एडिट मोड में आऊं, ए प्रेस करूं और जी प्रेस करूं, तो ये देखें अब ये डिपार्ट हो रहे हैं जब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करूं, और ख़ास तौर पर जब मुझे वर्टिसेस मूव करनी होती हैं लाइक दिस। मैं चाहता हूं कि ये आपस में कनेक्ट हों, ठीक है। तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट मोड पर आऊँगा और क्लिपिंग को चेक कर दूंगा मिरर मॉडिफायर के नीचे, ठीक है। अब अगर मैं इसको जितना भी मूव कर दूँ ये डिपार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर दूँ, यहाँ से वर्टिसेस वगैरह मूव कर दूँ, ये डिपार्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्ट कम्प्लीट हो गया, अब यहाँ पर भी वर्टिसेस आना शुरू हो जाए, तो मैं इस मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा, अब यहाँ पर भी वर्टिसेस वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये चंद मॉडिफायर थे जो कि मैंने आपको सिखाने थे, ठीक है। बाकी हमारे पास और बहुत सारे मॉडिफायर हैं, लाइक वेव मॉडिफायर, ओशन मॉडिफायर, फिजिक्स हैं, बेवल मॉडिफायर का तो आप लोगों को नाम से ही पता चल गया बेवल ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे हैं, डिस्प्लेस, रीमैश, बुलियन, ये सारा कुछ हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग एंड एप्पल, ठीक है। मैं आपको पहले एक स्मूथ शेप बनाना सिखाऊंगा, एक कर्व शेप, और एक मैं आप लोगों को हार्ड सरफेस मॉडलिंग सिखाऊंगा, थोड़ी बहुत बेसिक्स। हार्ड सरफेस मतलब जैसे मशीनरी हो गई जिसकी बहुत हार्ड और फ्लैट सर्फेसिस होती हैं एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। पहले हम एप्पल से शुरू करते हैं, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा एंड देन आई एम गोना ऐड अ क्यूब, सॉरी अ स्फीयर। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एडिट मोड में जाऊंगा, टॉप वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा और प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर दूंगा। अब मैं जी प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा नीचे कर दूंगा, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना जो ये एरिया है, सर्कल है, इसको आप अपने एप्पल की शेप के अकॉर्डिंगली साइज करें। एंड आई गेस इसको कुछ इस तरह मैं कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ इस तरह, एंड या सेम फॉर दिस वन, ठीक है। अब सेकंड दफ़ा थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है। अब एप्पल जो है उसकी शेप तो ले ली है, लेकिन अभी हमें से थोड़ा सा यू नो इसकी शेप बहुत स्फीयरिकल है, परफेक्ट है, उसको हम थोड़ा इम्परफेक्ट करते हैं, इम्परफेक्शंस ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा इधर मूव कर दें, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर दें लाइक दिस, देन इस तरह आप बस इधर उधर इम्परफेक्शंस ऐड करते रहें। मैं इस वर्टेक्स को इधर मूव कर देता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इधर मूव कर देता हूँ एंड लाइक दिस, फिर इसको भी यहाँ मूव कर देते हैं एंड आई गेस इट्स नाइस, बस यहाँ से थोड़ा सा इधर, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर, राइट क्लिक करें, शेड स्मूथ, एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दें एंड या ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर दें और यहाँ से भी लाइक दिस एंड इट्स लुकिंग नाइस। अब टॉप पार्ट जो है हमारा वो हम बनाते हैं, ठीक है। लीव बनाना भी बहुत इजी है, सबसे पहले मैं इसे हाइड करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एच प्रेस कर लेता हूँ, ये हाइड हो जाएगा। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक प्लेन ऐड करूँगा और इस प्लेन को स्केल डाउन कर दूंगा लाइक दिस। एडिट मोड में जाऊंगा और इसको एक्सट्रूड कर दूंगा समथिंग लाइक दिस
उसके बाद मैं स्फीयर को अनहाइड करना है तो मैं ऑल्ट एच प्रेस कर दूंगा और ये अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा स्केल डाउन करके यहाँ पर ले आऊँगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा वॉबली बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा यहाँ मूव कर लेता हूँ, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ कर दें, इसको यहाँ मूव करते हैं और दरमियान में आई गेस 3 वर्टिसेस सॉरी लूकर्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ मूव कर दें समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह, एंड इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दें प्रोपोर्शन एडिटिंग ऑन करके, उसके बाद कंट्रोल 2 प्रेस करें ताकि सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड हो जाए। ठीक है, या फिर डायरेक्टली सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड कर दें, राइट क्लिक शेड स्मूथ। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्फेरिकल है, ठीक है, तो मैं दरमियान में एक एज लूप ऐड करूँगा और यहाँ भी एक एज लूप ऐड करूँगा। ठीक है, अब ये थोड़ी बहुत स्क्वायर हो गई है, अब मैं इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा, पहले इस एज लूप को फिर इस एज लूप को, और अब मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दूँगा इन्हें बेवल करने के लिए। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत क्यूबिक शेप ले रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, यहाँ मूव कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब एक लीफ बनाते हैं। ठीक है, मैं इनमें से ये मॉडिफायर्स को डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक शेड फ्लैट लो पॉलीसा। ऑलराइट ऑलराइट, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक प्लेन ऐड करूँगा, इसे यहाँ साइड पे ले आऊँगा, ये लीफ है। ठीक है, एडिट मोड में इन दोनों वर्टिसेस को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दूंगा। ठीक है, और एक वर्टेक्स यहाँ ले आऊँगा, इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देना है, एक एज लूप यहाँ ऐड कर दें। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा पीछे वाई एक्सिस पे ले आएँ और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। ऑलराइट, उसके बाद ऐड करें एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। ठीक है, और आगे से इसको स्केल डाउन कर दें समथिंग लाइक दिस, फिर इस एज को थोड़ा नीचे कर दें, एंड या दैट्स इट। उसके बाद इसको थोड़ा सा कर्व करते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ एक और एज लूप ऐड करूँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं हम इसको, एंड रोटेट एंड स्टफ लाइक दैट। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लीफ है वो भी बन गई है, एंड बेसिक जो बहुत बेसिक हमारे पास एक एप्पल बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आउटलाइनर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब यहाँ कलेक्शन है, ठीक है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसका नाम रख दूँगा एप्पल और एंटर पे प्रेस कर दूँगा। अभी हमारा कलेक्शन बन गया है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ ये सेलेक्ट हो गया, इसका नाम मैं रखता हूँ, ठीक है, मेन बॉडी, ठीक है, ये इसका नाम रख देते हैं एप्पल। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका नाम रख देते हैं स्टेम, ठीक है, एंड इसका नाम रख देते हैं लीव। ठीक है, अब इस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा कार मॉडल है तो इस तरह आपके पास डिफरेंट स्क्रूज, डिफरेंट टायर्स, रिम्स, स्टेयरिंग, सीट्स, बॉडी वगैरह वगैरह, उन सब के नाम आप रख सकते हैं, बोनेट, बम्पर, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, अब इस एरो पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये जो हमारे पास तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं इस कलेक्शन के अंदर हाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैंने इस पूरी चीज़ को हाइड करना है, तो बजाय इन सब को सिलेक्ट करके एच प्रेस करने के, मैं सिंपली इस कलेक्शन के ऊपर हाइड पे क्लिक कर दूंगा। अब इस कलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ मैं एक नया कलेक्शन बनाऊँ जिसके अंदर मैं अपना जो हार्ड सरफेस मॉडल है, इन दिस केस अ स्ट्रीट लैम्प, वो मैं ऐड करूँ। ठीक है, एप्पल वाला कलेक्शन डिफरेंट होगा और हमारा जो स्ट्रीट लैम्प वाला कलेक्शन है वो डिफरेंट होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और या फिर मैं न्यू कलेक्शन पर क्लिक करूँ या फिर मैं डायरेक्टली सी प्रेस कर दूँ, सी फॉर कलेक्शन। ठीक है, मेक सेंस। उसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ स्ट्रीट लैम्प, ठीक है, एंटर पर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इस कलेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, इस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं ऐड करूँगा एक क्यूब। अब ये क्यूब इस कलेक्शन में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको स्केल डाउन कर दूँगा और एस और जी प्रेस करके स्केल अप कर दूँगा जी एक्सिस पे, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, इस एज लूप को मैं तकरीबन यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, देन इस पे प्रेस करूँगा और इसे मैं एक्सट्रूड कर दूँगा। अभी मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं, अभी मैं स्ट्रीट लैम्प नहीं बना रहा। ठीक है,
तो अब ये फ़िलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, आई टू इंसर्ट दिस, ई टू एक्सट्रूड दिस, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया वो, अब मैं इसे डिलीट कर दूँगा, इस पर क्लिक करूँगा शिफ्ट ए और एक सिलेंडर ऐड करूँगा, इसको मैं स्केल डाउन कर दूँगा और जी एक्सिस पे स्केल अप कर दूँगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो ये वाला जो फेस है हमारे पास, ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ कर्व हो जाए और इसके आगे क्यूब शेप आ जाए, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास रोशनी आएगी, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा, ई प्रेस करना है एक्सट्रूड, इसे थोड़ा सा रोटेट करना है और थोड़ा सा इस साइड पे ले आना है, देन एक्सट्रूड अगेन, यहाँ ले आना है, रोटेट करना है, देन एक्सट्रूड इट अगेन, ठीक है। अब एक वे तो ये हो गया, लेकिन ये सही एक्यूरेट वे नहीं है, तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडू के लिए, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ई टू एक्सट्रूड, ठीक है, और इसको मैं यहाँ साइड पे ले आऊँगा। अब यहाँ से काफ़ी स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, विच इज़ नॉट नाइस। सिंपली यहाँ से इस फेस को रोटेट कर दें, इसको रोटेट कर दें, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिएगा, ये देखें अब हमारे पास काफ़ी स्मूथ कर्व आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा, इसको कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर दूंगा। अब ये सही बेवल नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये सही बेवल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी स्केलिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अगर मैं एन प्रेस करूं और यहाँ पर अगर आप आइटम्स में जाएं, तो ये देखिए इसकी स्केलिंग, एक्स पे कोई और वैल्यू है, वाई पे कोई और वैल्यू है, जी पे कोई और वैल्यू है। तो ब्लेंडर कन्फ्यूज़ हो रहा है कि ये मतलब बेवल के दौरान कि ये इसका साइज़ क्या है, तो ये बेवल कैसा होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ इसके साइज सेम रहे, लेकिन इसकी वैल्यूज़ प्रॉपर 111 या 000 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इसकी स्केलिंग को अप्लाई करना पड़ता है, कभी कभार रोटेशन और लोकेशन में भी यही प्रॉब्लम आती है, लेकिन इन दिस केस हमारे पास स्केलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, अब यहाँ अप्लाई का हमारे पास मेन्यू आ गया है, इन दिस केस मैं स्केलिंग को अप्लाई कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारे जो ऑब्जेक्ट की स्केलिंग है वो सेम है, लेकिन इसकी वैल्यूज जो है वो 111 हो गई हैं, ठीक है। अब मैं एन प्रेस करता हूँ ताकि स्टेप को हाइड कर दूँ। अब अगर मैं इसे बेवल करूँ तो ये देखिए अब ये सही तरह बेवल हो रहा है, तो मैं इसको तकरीबन ऐसे बेवल कर देता हूँ, इस फेस को थोड़ा स्केल डाउन करके नीचे की तरफ ले आता हूँ, सही है, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट क्लिक, शेड स्मूथ, ठीक है, फिलहाल के लिए शेड फ्लैट करते हैं, शेड स्मूथ बाय एंगल, हाँ ये सही है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसके आगे क्यूबिक शेप लाऊंगा, तो मैं शिफ्ट ए ऐड करूँगा, एक क्यूब ऐड करके यहाँ पर ले आऊँगा, स्केल डाउन करूँगा इसे और वाई एक्सिस पे स्केल अप, इसे मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह। उसके बाद मैं थ्री प्रेस करूँगा, इस फेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा, एक्सट्रूड, फिर से इंसर्ट और एक्सट्रूड, और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड देन मैं इस पर क्लिक करूँगा, आई टू इंसर्ट, अब इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा वाई एक्सिस पे, देन एक्सट्रूड, ठीक है, एंड फिर से इंसर्ट थोड़ा सा और एक्सट्रूड आउटवर्ड्स, ठीक है। अब स्ट्रीट लैंप ऐसे तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस पर ऐड करूँ एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर और इसको मैं कर दूँ थ्री, राइट क्लिक शेड स्मूथ करूँ, तो देखिए स्ट्रीट लैंप की तरह बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जी एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, एंड इसको एक्स एक्सिस पे नहीं, ये बिल्कुल सही है, बस एडिट मोड में जाऊंगा और इस सब को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, एक्सरे मोड ऑन करूंगा ताकि हम एक्सरे मतलब इसके अंदर देख सकें, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं तो एक्सरे मोड ऑन होता है, ठीक है, सारा कुछ हम सारे हर चीज़ के थ्रू देख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम चीज़ों के थ्रू सेलेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक्सरे मोड के बगैर सेलेक्ट करूँ तो ये वाला एरिया सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें ऑपोजिट साइड दिख ही नहीं रही। लेकिन अगर मैं एक्सरे मोड सेलेक्ट करके सारा कुछ सेलेक्ट करूँ तो एवरीथिंग वुड बी सेलेक्टेड, क्योंकि हम उसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरे मोड ऑन करके मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट करूँगा, एक्सरे मोड ऑफ कर दूँगा, ठीक है।
अब ये वाला एरिया हमने नहीं सेलेक्ट करना था लेकिन ये सेलेक्ट हो गया है। तो बजाय दोबारा यहाँ जा कर सारा कुछ सेलेक्ट करने को, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसके ऊपर ड्रैग करके इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्रेस कर आपने रखना है और उसके बाद अपना माउस ड्रैग कर लेना है इसके ऊपर। ठीक है, अब सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब आप इसे स्केल डाउन कर दें एक्स एक्सिस पे लाइक दिस, फिर कंट्रोल आर प्रेस करें, एक लूप कट ऐड करें और इसको थोड़ा सा इस साइड पे लें ताकि ये वाला एरिया थोड़ा शार्प हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ एक सब डिवीन सरफेस मॉडिफायर, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा है। दरमियान में क्यों नहीं आ रहा, दरमियान में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी वर्टिसेस हैं और सपोर्टिंग एज लूप्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बॉटम में देखें तो बॉटम में कोई भी वर्टेक्स वगैरह नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फेज को सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा आई टू इंसर्ट। अब यहाँ पर हमारे पास और वर्टिसेस आ गई हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी बेटर हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर इसे और भी बेटर करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करें और यहाँ एक लूप कट ऐड करके यहाँ कर लें। ठीक है, अब ये ज़्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने मिडिल माउस से अपना जो नेविगेशन कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के मिडिल माउस को अपना माउस ड्रैग करता हूँ तो ये पैन हो रहा है, उसके बाद जूम इन करें फिर पैन करें एंड स्टफ लाइक दैट। अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ आई टू इंसर्ट, लेकिन यहाँ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और एक लूप कट को मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, अब काफ़ी बेटर है। तो एज़ यू कैन सी हमारे पास एक लैम्प जो है वो बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लूप कट ऐड करूँ तो आप इसके डिफरेंट शेप्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसके डिफरेंट शेप्स कर सकते हैं, बट आई थिंक जो यहाँ से राउंड है वो ज़्यादा बेटर लग रही है और यहाँ से फ्लैट भी सही है, ये देखें। सो इट्स अ नाइस लिटिल टच। ठीक है, तो अब हमारे पास ये काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मॉडलिंग कैसे करते हैं। अब मैं इस कलेक्शन को हाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक छोटा सा सीन बनाएंगे। ठीक है, यानी एक टेबल होगा, उसके ऊपर एक एप्पल होगी, साथ एक प्लेट होगी और एक लैम्प बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल मॉडल करते हैं तो वो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, सिंपली आपने क्यूब ऐड करना है, शिफ्ट ए एक क्यूब, इसको आपने स्केल करना है लाइक दिस और फिर जी एक्सिस पे इसको स्केल डाउन कर देना है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, उसके बाद आप इसको वाई एक्सिस पे स्केल कर दीजिएगा एंड या। ठीक है, अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, एक लूप कट यहाँ ऐड करूँगा, राइट क्लिक कर दूँगा ताकि ये कैंसिल हो जाए इसकी लोकेशन, उसके बाद सेम मैं यहाँ पर करूँगा कंट्रोल आर, राइट क्लिक करूँगा ताकि इसकी मूवमेंट कैंसिल हो जाए, उसके बाद मैं इन दोनों को शिफ्ट ऑल दबा के सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट से मल्टीपल सिलेक्ट और ऑल से पूरी एज लूप सिलेक्ट होगी। अब ये दोनों एज लूप सिलेक्ट हो गई हैं, अब आप कंट्रोल बी प्रेस करें और ज़ीरो उसके साथ एंड इसको बेवल कर दें। अब यहाँ बेवल अगर एक्यूरेट नहीं हो रहा तो सिंपली ऑब्जेक्ट मोड में जाएँ, कंट्रोल ए प्रेस करें, स्केलिंग को अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी स्केलिंग की वैल्यूज़ परफेक्ट नहीं है, कंट्रोल ए अप्लाई स्केलिंग्स, अब देखें ये परफेक्ट हो गई। अब जब आप इसे बेवल करेंगे तो ये काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करके यहाँ पर बेवल ऐड कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरे मोड ऑन करता हूँ, ये वाली वर्टिसी सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें वाई एक्सेस पे स्केल कर लेता हूँ लाइक दिस। उसके बाद मैं 3 प्रेस करूँगा, इन 4 फेसिस को सिलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर दूंगा और नीचे की तरफ ले आऊँगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये लेग्स काफ़ी थिक हो गई हैं लेकिन यहाँ से टेबल काफ़ी थिन है तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जी एक्सिस पे मूव कर दूँगा एंड इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, अब मैं 2 प्रेस करूँगा, इस शिफ्ट और दबा के इस एजेस को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बी प्रेस करके इसको थोड़ा सा बेवल कर दूंगा ताकि थोड़ा सा डिटेल्ड हमारे पास टेबल मॉडल हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं सेम लेग्स के साथ भी करूंगा, 3 प्रेस करूंगा और शिफ्ट दबा के इन फेसेस को सिलेक्ट करूंगा लाइक दिस एंड मैं कंट्रोल बी प्रेस करके इसको थोड़ा सा बेवल कर दूंगा। ऑलराइट, अब जब ये हो गया अब हम लोग मॉडल करते हैं एक प्लेट। ठीक है, अब इसका नाम मैं रख लेता हूँ टेबल
एंड इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैं ऐड करूँगा एक स्फीयर, सॉरी एक सर्कल। अब मैं एक लैंप बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस सर्कल को मैं एक्सट्रूड करूँगा। एडिट मोड में जाके ए प्रेस करें ताकि सारा कुछ सेलेक्ट हो जाए। देन आई एम गोना प्रेस ई और जी ताकि ये जी एक्सिस पे एक्सट्रूड हो जाए, समथिंग लाइक दिस। और मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा कुछ इस तरह। देन आई एम गोना प्रेस शिफ्ट ए और मैं एक स्फीयर ऐड करूंगा, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। देन शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, एक सिलेंडर ऐड करूंगा, इसको स्केल डाउन कर दूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और जी एक्सिस पे स्केल कर दूंगा, ठीक है। और हमारा जो मेन चीज़ होगी, जो बल्ब है, वो भी एक बेसिक सा स्फीयर होगा लेकिन डिक्रीज साइज में। फॉर एग्जांपल ये हमारा बल्ब है, ठीक है। ज़्यादा हमारे पास हाई पॉली नहीं है लेकिन फ़िलहाल सही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड मॉडिफायर और सॉलिडिफाई मॉडिफायर पर क्लिक करता हूँ और इसकी जो थिकनेस है उसे मैं कर देता हूँ -0.03 एंड इट्स नाइस, ठीक है। राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ। अब यहाँ पर हमारी स्मूथिंग परफेक्ट नहीं है तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और लूप कट, एक लूप कट ऐड करूँगा और इसे कंट्रोल बी से बेवल कर दूँगा तकरीबन यहाँ तक। अब ये थोड़ा बहुत फ्लैट हो गया, ठीक है। राइट क्लिक शेड स्मूथ, राइट क्लिक शेड फ्लैट स्मूथ, ठीक है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स पे शेड स्मूथ कर रहा हूँ और कुछ ऑब्जेक्ट्स पे शेड स्मूथ बाय एंगल कर रहा हूँ, ये क्यों? ये इसलिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिलेंडर यहाँ ऐड करूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं शेड स्मूथ करता हूँ और इसको मैं शेड स्मूथ बाय एंगल करता हूँ, तो विच वन लुक्स बेटर? ऑफकोर्स दिस वन, ठीक है। इसकी शेडिंग अच्छी है और इसकी शेडिंग स्मूथ नहीं। शेड स्मूथ आप बेसिकली स्मूथ ऑब्जेक्ट्स, राउंड ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस स्फीयर, ठीक है। लेकिन इफ़ यू लुक एट द सिलेंडर, इसकी शेप काफ़ी फ्लैट है, ठीक है, और इसका एंगल 90 डिग्रीज यहाँ से रोटेट हो रहा है और यहाँ से काफ़ी फ्लैट है। तो इन टाइप के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम शेड ऑटो स्मूथ करते हैं, या फिर ब्लेंडर का जो नया वर्जन आया है उसमें ये शेड स्मूथ बाय एंगल के नाम से है। पिछले ब्लेंडर के वर्जन में शेड ऑटो स्मूथ था, ठीक है। शेड स्मूथ बाय एंगल्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, इसकी शेडिंग इसके एंगल के मुताबिक हो जाएगी, विच इज़ नाइस, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो हमारे पास बेसिक सा लैम्प भी है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मतलब हम कैसे कलेक्शन ऐड करें, सी प्रेस करके ऑफकोर्स, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ लैम्प, ठीक है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ। अब एक ऑप्शन है किसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें इस कलेक्शन के अंदर, ठीक है, और एक ऑप्शन है कि मैं एम प्रेस करूँ, एम, और यहाँ पर इन तीनों कलेक्शन में से किसी एक कलेक्शन पे क्लिक कर दूँ ताकि ये उसके अंदर चले जाएं, या फिर इसके लिए न्यू कलेक्शन बना दूँ। फिलहाल मैं लैम्प कलेक्शन के अंदर इसको क्लिक करूँगा तो ये लैम्प कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसको हाइड कर दूँगा लाइक दिस। उसके बाद मैं सी प्रेस करूँगा, एक और कलेक्शन ऐड करूँगा, यहाँ ऐड कर दूँगा टेबल एंड प्लेट, ठीक है, टेबल नहीं टेबल, लाइक दिस। इसको मैं यहाँ डाल दूंगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा कलेक्शन पे और अब मैं प्लेट मॉडल करूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ, ठीक है। अब सर्कल को मैंने फिल करना है, दरमियान से फिल नहीं हुआ, ठीक है। तो फिल करने के लिए मैं पूरे सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और फिल का पहला लेटर एफ है, तो मैं एफ जब प्रेस करूँगा तो ये सर्कल दरमियान से फिल हो जाएगा, हॉलो नहीं होगा, ठीक है, विच इज़ नाइस। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा, थोड़ा सा स्केल करूँगा। अब यहाँ से डिलीट फेसेस पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, देन एक्सट्रूड इट अगेन, समथिंग लाइक दिस। अब इस पे भी मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करता हूँ और इसकी थिकनेस को -0.03 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं हाइड करता हूँ। अभी हमारा जो टेबल वगैरह है ये सारा कुछ बन गया है। अब हम इस सीन को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, तो मैं इन सब को अनहाइड करूँगा लाइक दिस। अब अगर आप देखिए, ये सारा कुछ आपस में ओवरलैप हो रहा है जिसको हमने फिक्स करना है। सबसे पहले टेबल को मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रीट लैम्प को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए, स्ट्रीट लैम्प, फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीट लैम्प को छोड़ें, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ लैम्प को सिलेक्ट करना है। अब लैम्प सेलेक्ट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रीट लैम्प के कलेक्शन के ऊपर अपना माउस लेके जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे मैं क्लिक कर दूँगा।
ठीक है। अब इस कलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसको मैं साइड पे कर दूंगा, ठीक है। अब सेम लैंप के साथ भी करना है, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इस कलेक्शन के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स थे, इन दिस केस लैंप था, वो सिलेक्ट हो जाएगा, इसको हम साइड पे कर देंगे। एप्पल के साथ भी हम सेम यही चीज़ करेंगे, इसको भी थोड़ा साइड पे मूव कर देंगे। एंड लास्टली प्लेट तो हम ऐसे ही सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले आएंगे ताकि ओवरलैप ना हो। थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं, स्केल अप, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड पे ले आए, देन इसको सेलेक्ट करें, स्केल डाउन, और इसको यहाँ पर ले आए, इसको थोड़ा सा स्केल कर दें, ठीक है। अब यहाँ से इसके लिए हमने थोड़ा प्रॉपर स्टैंडिंग बनाना है, क्योंकि ऐसे तो ये लैंप गिर जाएगा। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा, एक्सरे मोड ऑन करके ये वाली वर्टिसेस सेलेक्ट करूँगा और जी एक्सिस पे इसको स्केल डाउन कर दूँगा, एस जी, और इसको मैं स्केल डाउन करके जी और जी मतलब जी एक्सिस पे ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा। अब आप देखें नीचे से फ्लैट है और अब ये सही स्टैंड करेगा। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक कंट्रोल आर और एक लूप कट, एंड या उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ जी और जी प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद इस एप्पल को सेलेक्ट करूँगा, स्केल डाउन, वाई एक्सिस पे मूव हो, थोड़ा सा और स्केल डाउन, एक्सट्रूड कर दें इसको। अब मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करूँगा ताकि डुप्लीकेशन एप्पल की जो लोकेशन है वो वापस ओरिजिनल पे चली जाए, और अब मैं जी और वाई प्रेस करूँगा यहाँ मूव करने के लिए। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो मैं इसको आर और जेड एक्सिस पे रोटेट कर दूँगा, थोड़ा सा स्केल कर दूँगा ताकि थोड़े से आपस में डिफरेंट हो, एंड फिर इसको सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए पीछे हमारा टेबल और प्लेट भी सेलेक्ट हो गया, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इन दोनों के ऊपर माउस लेके जाऊँगा, बॉक्स सेलेक्ट करके छोड़ दूँगा, कंट्रोल प्रेस करना है। अब वो दोनों चीज़ें डी सेलेक्ट हो जाएंगी, इसको मैं ये साइड पे मूव कर दूँगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको जी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा, यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हमारा बहुत सिंपल सा सीन बन गया है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैं सेलेक्ट करता हूँ ए प्रेस करके, और इन सब को ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब लैंप को मैं अलग से सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ एक फ्लोर ऐड करना है, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक प्लेन ऐड करूँगा, इसको मैं स्केल कर दूँगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैंने रेंडर करना है, लेकिन पीछे तो बैकग्राउंड बिल्कुल खाली नज़र आएगा, तो मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, ये दो वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा, एक्सट्रूड कर दूँगा जी एक्सिस पे। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से मैं मतलब यहाँ से अगर शॉट लेना हो तो बैक साइड पे हमें ब्लेंडर का इंटरफेस या ग्रे बोरिंग बैकग्राउंड नहीं नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इन दोनों पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसे बेवल करूँगा क्योंकि यहाँ पर देखें काफ़ी हार्श यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर है जो कि दिखता है ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम इससे रीड ऑफ कैसे होंगे, इसको बेवल करेंगे लाइक दिस। अब एक स्टूडियो टाइप बन गया है, इसको शेड स्मूथ कर देते हैं, ये देखिए अब काफ़ी बेटर है, और इसको वाई एक्सिस पे स्केल भी कर दें, एंड एज यू कैन सी इट्स मच मच बेटर, ठीक है। तो अब आप अपना काम फिर से सेव कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर हमने एक लैंप भी बना लिया है, हमने एप्पल बना लिया है, प्लेट बना लिया है, स्ट्रीट लैंप बना ली है, और टेबल भी बना लिया है, ठीक है। अब एक चेयर रह गई है, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक क्यूब ऐड करूँगा, इसको मैं ले आऊँगा वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा, एस और जी एक्सिस पे स्केल कर दूँगा, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद एडिट मोड में जाएं, कंट्रोल आर प्रेस करके इस लूप कट को यहाँ पर ले आइएगा, उसके बाद थ्री प्रेस करें ताकि आप फेस सेलेक्ट पे चले जाएं और इसको एक्सट्रूड कर दें, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज़ हमने जो पिछले टेबल के साथ की थी वही करेंगे। अब ये देखें प्लेन मेरे रास्ते में आ रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, प्लेन को हाइड करूँगा, उसके बाद अब मैं यहाँ पर फिर से आऊँगा, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, अब कंट्रोल बी टू बेवल दिस, देन अगेन कंट्रोल आर, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं थ्री प्रेस करूँगा, इन फोर फेसेस को मैं सेलेक्ट करके एक्सट्रूड डाउन कर दूँगा ई जी, और साइड व्यू से देखें इसको परफेक्टली नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। हमारी जो चेयर है वो भी सिंपल डन हो चुकी है, ठीक है। आप डिटेलिंग्स ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस मैं इनको बेवल कर देता हूँ, अब ये सही बेवल नहीं हो रहा क्योंकि इसकी स्केलिंग परफेक्ट नहीं है,
तो कंट्रोल ए प्रेस करें, स्केलिंग पे क्लिक करें, इसकी स्केलिंग अब सही हो गई है, अब ये बेवल भी सही होगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा बेवल कर दें, उसके बाद एक्सरे मोड में इन सब फेसेस को सेलेक्ट कीजिएगा और इनको भी बेवल कर दें लाइक दिस, फिर इन इस एज को सेलेक्ट कीजिएगा और बेवल कर दें लाइक दिस, एंड सेम यहाँ पर भी करना है, इसको भी आप बेवल कर दें। अब ये देखिए हमारे पास एक चेयर डिटेल्ड, थोड़ी बहुत डिटेल्ड चेयर बन गई है। अब मैं इसे थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर दूंगा, थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, पीछे ले आऊँगा एंड या फिर इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं एंड इट्स लुकिंग मच बेटर। अब ऑल्ट एच प्रेस करें ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे अनहाइड हो जाएं, ठीक है। एंड दिस इज आवर सिंपल सीन। अब इस चेयर को मैं डुप्लीकेट करके राइट क्लिक करूंगा ताकि इसकी लोकेशन कैंसिल हो जाए, जी और एक्स प्रेस करूंगा इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करने के लिए, और जी और वाई प्रेस करूंगा यहाँ साइड पे मूव करने के लिए, और इसको रोटेट कर देना कुछ इस तरह, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आऊँगा लाइक दिस, एंड स्ट्रीट लैम्प को मैं राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आऊँगा एंड आई गेस इट्स नाइस। अब आप इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिक्स पार्ट टू के नाम से मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, एंटर कीजिएगा, डबल एंटर, ठीक है। सो या गाइस, तो ये वाली वीडियो हम इतनी ही रखते हैं, इसमें हमने एक छोटा सा सीन मॉडल किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे टेक्सचर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इन मॉडल्स को टेक्सचर करेंगे और फिर लाइटनिंग ऐड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब टेक्सचरिंग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेबल की, सो आई एम गोना क्लिक ऑन इट टू सेलेक्ट इट, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हो गई, उसके बाद यहाँ पर जैसे ये मॉडिफायर्स टैब था, इसके ऊपर अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपना माउस कर्सर इसके ऊपर हवर करूँ तो यहाँ पर हमारे इसका नाम दिखता है मॉडिफायर्स, वैसे ही अगर मैं इस वाले के ऊपर माउस लाऊं तो यहाँ मटेरियल्स के नाम से शो हो रहा है और हमने इसके ऊपर मटेरियल्स ही लाने हैं, ठीक है। अब मटेरियल्स और टेक्सचर के बीच में काफी फर्क होता है, काफी लोग इसे कंफ्यूज कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली जैसे कारपेंट हो गया, कारपेंट इज अ मटेरियल, लेकिन उसके ऊपर जो डर्ट होगी ना वो होगा टेक्सचर, ठीक है। और यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो एप्पल है ये हमारे पास रेड कलर है, ये इसका हमारे पास मटेरियल है, और इसके ऊपर जो स्पॉट्स वगैरह होंगे एंड स्टफ लाइक दैट वो हमारे पास टेक्सचर होगा, ठीक है। तो बस इसको ये जहन में रखना है, ठीक है। तो अभी हम अपने डेस्क को मटेरियल देंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको एडऑन्स के जरिए भी सिखाऊंगा कि हम मटेरियल्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और मटेरियल्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो हमारा मटेरियल है उसे क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास मटेरियल्स के ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब और हमारे पास पूरा मेन्यू नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग इस न्यू पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ, अब ये हमारे पास न्यू है, इससे हम लोग अपना मटेरियल ऐड करते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे हमारे पास हमारे सीन में जितने भी मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी मटीरियल का नाम अगर यहाँ सर्च करूँ तो वो मटीरियल हमारे पास आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब इस पर मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए अगर मैं स्क्रोल डाउन करूँ, और इसमें से आज की वीडियो में हम सिर्फ इन चार पांच ही ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। यानी हम सिंपल टेक्सचरिंग, इसको फिर शाइनी कैसे करते हैं, मेटल कैसे बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है, हम ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सब को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो बजाय एच प्रेस करने के मैं सिंपली इन सब के कलेक्शन के ऊपर जो ये आई वाला आइकन है इस पे मैं क्लिक करूंगा, अब ये हाइड हो जाएगा, सारे कलेक्शंस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। ये मैंने क्यों किया, मैं आप लोगों को पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स करके दिखाऊंगा। शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और मैं एक यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं साइड पे मूव कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट डी दबाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसकी मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए, उसके बाद मैं जी और वाई प्रेस करके यहाँ मूव कर लेता हूँ, फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डी राइट क्लिक, और सेम मैं यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है। फिलहाल हम इतने ही टेक्सचर्स पे आते हैं, बाद में और चाहिए हो तो हम कर देंगे। उसके बाद मैं इन सब के ऊपर राइट क्लिक शेड स्मूथ कर दूंगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक शेड स्मूथ, ठीक है, अब इनकी शेडिंग जो है वो स्मूथ हो गई है। ऑलराइट, उसके बाद अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, न्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो है बेस कलर। बेस कलर बेसिकली सिंपल टेक्सचर होता है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये वाइट है,
अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, लेफ्ट क्लिक करना है, तो हमारे पास यहाँ पर ये मेन्यू आएगा। अगर मैं माउस इसके ऊपर से हटा दूँ तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ही माउस रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कलर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास डार्कनेस वगैरह है, ठीक है। अब इसे हम कैसे चेंज करते हैं, हम इस सर्कल के अंदर जहाँ कलर्स हैं इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक आपने पकड़े रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप अपना माउस मूव करें इधर उधर, तो अब कलर्स चेंज होंगे। लेकिन हमारे स्फीयर पे कलर्स नहीं चेंज हो रहे, ये क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं, सैचुरेशन कितना होना चाहिए, सैचुरेशन हमारे टेक्सचर की, हमारा टेक्सचर का ह्यू कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू डार्कनेस और लाइटनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा को फिलहाल आप छोड़ दें। ऑलराइट, अब ये सारा कुछ अलग जगह पे ये टेक्सचर चेंज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट व्यूज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक्सरे व्यू का बताया था, जो जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। ये देखें, अगर मैं एक्सरे व्यू ऑफ करके इन सबको सेलेक्ट करूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं एडिट मोड में अगर सेलेक्ट करूँ तो ये नहीं सेलेक्ट होंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक्सरे मोड ऑन करना पड़ता है और फिर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, एक्सरे मोड का तो आपको पता है। एक्सरे मोड के बाद हमारे पास होता है वायर फ्रेम मोड, ठीक है। इस पर हमें सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो वायर फ्रेम में दिखती हैं, ठीक है। यानी हमारे ऑब्जेक्ट के जितने भी वर्टिसेस वगैरह होती हैं ये उनकी वायर्स में दिखती हैं, ठीक है। लाइक ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, यहाँ पर हमारे पास उन्हीं के वायर्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्यूब है, अब इस क्यूब की वायर्स हमारे पास स्फीयर जैसी क्यों नहीं है, मतलब कितनी सारी लाइंस हैं वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पर लूप कट्स और वर्टिसेस नहीं है। अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, यहाँ लूप कट ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, तो ये देखिए अब यहाँ पर भी हमारे पास ये ऐड हो गया, तो वायर फ्रेम में हमें ये दिखाएगा। और वायर फ्रेम में हमारे पास फिर हम एक्सरे ऑफ भी कर सकते हैं, एक्सरे ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है सॉलिड व्यू, ठीक है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें सॉलिड वाइट कलर की देख सकते हैं। इसमें हम मोस्टली मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट व्यू है उसको कहते हैं मटेरियल्स व्यू, ठीक है। उसके डिफरेंट मल्टीपल नाम है, व्यू पोर्ट शेडिंग एंड स्टफ लाइक, ठीक है। तो इसको फिलहाल व्यू पोर्ट शेडिंग ही मैं कहूँगा, या मटीरियल व्यू पोर्ट है, जो भी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब हमारे पास सिर्फ मटेरियल्स ही होंगे, कोई लाइट इस पे इफेक्ट नहीं करेगी अगर मैं लाइटनिंग ऐड करूं, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल रेंडर नहीं है, ठीक है, ना ये हमारे पास फाइनल रेंडर है, ना ये हमारे पास फाइनल रेंडर है, ठीक है। इस पे हम बेसिकली बिल्कुल प्लेन कलर में हम लोग मॉडलिंग करते हैं, यहाँ पर हम टेक्सचरिंग करते हैं, और जो लास्ट वाला हमारे पास है ये बेसिकली हमारा फाइनल रेंडर है। लेकिन अभी तो कोई लाइट ऐड नहीं हुई, कोई टेक्सचरिंग ऐड नहीं हुई, इसलिए रिजल्ट हमारे पास ऐसा है, ठीक है। तो अभी ये वाला हमारे पास मटेरियल्स व्यू है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। हाँ, अब अगर मैं कोई टेक्सचर वगैरह ऐड करूँ इस पर, तो तब ऐड होगा हमारे पास टेक्सचर, ठीक है। इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, वहाँ कर दूँगा, डार्क करना चाहता हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं कम कर दूँगा, ठीक है। और इसको फ़िलहाल लाइट ब्लू कर देते हैं, या फिलहाल वाइट ही कर देते हैं, जो भी आपने करना है वो आप कर दें, ठीक है। मैं इसे वाइट कर देता हूँ। ऑलराइट, जो बेस कलर के नीचे है वो हमारे पास है मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक नाम से पता चल रहा है, मेटल बना देता है हमारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मेटल जो है, इसकी वैल्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अपना माउस ड्रैग करूँगा, तो ये देखिए जैसे जैसे मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमारे पास मेटल बन गया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग थोड़ा कम मेटल बनाना चाहते हैं तो वैसे कर लेते हैं, फुल ज़ीरो पे नहीं, बिल्कुल ही ज़ीरो होगा, और वन पे ये फुल मेटेलिक होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रफनेस आती है। मेटल तो थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी करेंगे, तो उसके लिए हम रफनेस यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को रफ या उसको शाइनी करने के लिए हम रफनेस की वैल्यू को छेड़ते हैं, ठीक है। अब मेटेलिक में क्या था कि अगर हमारी वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास मेटेलिक नहीं है, लेकिन अगर रफनेस में हम लोग वैल्यू ज़ीरो करें तो बहुत शाइनी होता है, और अगर वन करें तो फुल रफ होता है, 0.5 इनके दरमियान में होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जब मैं इसे शाइनी करूँगा, इसकी वैल्यू पर मैं क्लिक करके ड्रैग करके इसे कम कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये फुल शाइनी हो गया। अब यहाँ पर ये ट्रीज़ वगैरह की आ रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली ये आपको जो ब्लेंडर में डिफ़ॉल्ट लाइटनिंग दिख रही है ना यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे ऑफ़ कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर अभी इस वक्त कोई लाइटनिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने तो टेक्सचरिंग देखनी है, इसलिए ब्लेंडर यहाँ पर एक लाइटनिंग ऐड करता है कॉल्ड HDRI, ठीक है। उसकी लाइटनिंग के सिनेरियो को चेंज करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास जो है ट्रीज़ की लाइटनिंग, फॉरेस्ट की लाइटनिंग ऐड हुई हुई है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइटनिंग आ जाएगी, ठीक है। हम इसमें से कोई भी लाइटनिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शंस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, ये अभी हमारे पास लाइटनिंग है ये, और ये सरफेस शाइनी है, तो शाइनी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो वो हमें थोड़ा नज़र आता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसकी रफनेस को मैं थोड़ा ज़्यादा करूँ तो ये थोड़ा रफ़ हो जाएगी, थोड़ा फुल कम कर दूँ फुल शाइनी हो जाएगी, फुल बढ़ा दूँ तो ये फुल रफ हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसको मेटेलिक कर लेता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं करना, थोड़ा सा शाइनी करना लाइक दिस। इसका कलर मैं डार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह। ऑलराइट, तो हमारे पास एक टेक्सचर बन गया जो कि है मेटल टेक्सचर। ठीक है, अब सेकंड वाले पे जाते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा। अब इसे मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज करना है तो कर ले। मैं इसे लाइट थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, मेटेलिक को नहीं छेड़ना। ठीक है, और रफनेस मैं फुल कम कर देता हूँ क्योंकि जो ग्लास होता है उसकी रफनेस फुल कम होती है। अब हमें इसे ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसमिशन की। ठीक है, ये स्पेक्यूलर सरफेस, ये सारा कुछ फिलहाल अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक टेक्सचरिंग सिखा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हमने ट्रांसमिशन पे क्लिक करना है, तो ये एरो हमारे पास नीचे हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी जाएगी। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो जैसे जैसे बढ़ाऊँगा वैसे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें इसके थ्रू वो वाला स्फीयर जो है वो इसके थ्रू नहीं दिख रहा। दैट्स बिकॉज जो हमारे पास व्यू पॉइंट शेडिंग है उसमें हमें फुल एक्यूरेट जो मटेरियल्स हैं वो नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग कोई इफेक्ट नहीं करती जो हम ब्लेंडर में ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रेंडर है, यहाँ पर हमें लाइटनिंग वगैरह जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट और जो फाइनल रेंडर में जो हमारे पास मटेरियल्स आएंगे यहाँ पर वो शो होंगे। ठीक है, और अभी वैसे भी जो हमारे पास ब्लेंडर की डिफॉल्ट लाइटनिंग है, एनवायरनमेंट की जो लाइटनिंग है वो इस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट्स वाई। ठीक है, तो हमारे पास ग्लास टेक्सचर भी बन गया। अब इसको थोड़ा सा रफ करेंगे तो ये थोड़ा रफ ग्लास हो जाएगा। ठीक है, फुल कम करेंगे, और अगर इसको मैंने मिरर बनाना है ना कि ये हर कुछ रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, इसके थ्रू लाइट पास ना हो, ये सारा कुछ रिफ्लेक्ट करे, तो उसकी मेटालिकनेस को बढ़ा दें। ठीक है, अब जब मैंने बढ़ाया तो ये फुल मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन इन दिस केस अभी मैं फ़िलहाल इसको फुल ज़ीरो कर लेता हूँ। ठीक है, अब थर्ड जो मैं बनाना चाहता हूँ टेक्सचर वो होगा इमिशन टेक्सचर। ठीक है, यानी ग्लोइंग टेक्सचर। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब सारा कुछ फिलहाल छोड़ दें, सिर्फ आपने आना है इमिशन पे। इमिशन का मतलब है कोई चीज़ ग्लो करना, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर हम इमिशन का कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी स्ट्रेंथ अभी ज़ीरो है। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेफ्ट क्लिक करूँ और ड्रैग करूँ तो ये लाइट हो रही है, मतलब यहाँ पर इसमें ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है। लेकिन वही बात है, अभी ये बिल्कुल प्रॉपर ग्लो नहीं कर रही क्योंकि ये फाइनल रेंडर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रीव्यू है हमारा मटीरियल्स का, बेसिक मटीरियल्स का। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल, इसकी इस पर मैं क्लिक करता हूँ और 5 में टाइप कर लेता हूँ। इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, जो हमारे पास लास्ट है वो मिरर टेक्सचर ही है। ठीक है, इसकी मेटालिक को फुल कर देते हैं, रफनेस को फुल कम कर लेते हैं और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे मैं फुल कर लेता हूँ। इसका कलर भी मैं थोड़ा ऑरेंज वगैरह सा कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास गोल्ड टेक्सचर आ गया है। इसकी मैं थोड़ी सी ट्रांसमिशन तो फुल कम कर लेती हूँ, थोड़ी सी रफनेस इसकी बढ़ा देता हूँ लाइक दिस। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारे पास कुछ टेक्सचर थे। ठीक है, और अब गोल्ड, ये हमारे पास एक तरह गोल्ड भी आ सकता है, और हमारे पास कार पेंट अगर हमने इसे बनाना है तो कार पेंट के ऊपर एक कोट होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँ और इसकी वेट को बढ़ा दूँ तो ये तकरीबन उसी तरह होगा, लेकिन अभी हमें उस तरह फील नहीं हो रहा क्योंकि ये फाइनल रेंडर नहीं है, वही बात। लेकिन अगर आप इन कॉर्नर्स पे आप थोड़ा गौर करें तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको फुल कर देता हूँ। इसकी रफनेस आप फुल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं फुल कम कर लेता हूँ। एंड इसका जो टिंट है उसको भी मैं थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कर लेता हूँ। और ये हमारे पास कार पेंट है, पहले गोल्ड था, अब कार पेंट बना दिया, ये ग्लोइंग टेक्सचर, ये ग्लास, और ये हमारे पास सिंपल मेटल। ठीक है, तो ये चार हमारे पास मटीरियल्स हैं। अब हम लोग करेंगे थोड़ी सी लाइटनिंग। ठीक है, अब लाइटनिंग ऐड कैसे करें, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करना है, यहाँ हमारे पास लाइट के ऑप्शन है। अब हमारे पास चार तरह की लाइट्स होती हैं, मैंने लाइट्स पे एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। ठीक है, इनको मैंने थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चार तरह की लाइट्स होती हैं, पॉइंट लाइट, सनलाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट।
तो इन लाइट्स को आपको प्रॉपरली शो करने के लिए कि ये कैसे काम करती हैं, मैंने एक छोटा सा सीन तैयार किया है। यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है, ये आप लोगों को फॉलो ना करें, मैं आपको सिर्फ एक डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ लाइट्स की, ठीक है। अभी मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, लाइट्स पे जाऊंगा, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट लाइट आती है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले हमारे पास आती है पॉइंट लाइट, ठीक है। अब पॉइंट लाइट क्या करती है, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ फिलहाल। तो इस लाइट को मैं आप लोगों को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल सा सीन बनाया है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो लाइट है पॉइंट लाइट, उसकी स्ट्रेंथ मैंने थोड़ी बढ़ाई है, ठीक है। मैं आपको अभी सारा कुछ सिखाता हूँ, सिर्फ डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ ये लाइट कैसे काम करती है। अब पॉइंट लाइट जो है, अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये देखिए सर्कुलर लाइट है, जो कि हर डायरेक्शन में हमारे पास लाइट को इमिट करती है, यहाँ भी, ठीक है। हर डायरेक्शन में ये लाइट को इमिट करेगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मेरा प्रोडक्ट है, दिस इज माय प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर एरिया लाइट ऐड करूंगा, सॉरी पॉइंट लाइट, तो ये हर जगह लाइट इमिट करेगी। कभी कभार हम लोग इसके साथ सेटिस्फाई होते हैं, कभी कभार इसके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। अभी मैं आपको और लाइट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इन सब को कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैं ऐड करूंगा सनलाइट। अब सन बेसिकली नाम से पता चल रहा है हमारे पास सन की तरह काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीन है ये इसके अंदर काम नहीं करेगा, ये फुल बाहर काम करेगा, ठीक है। ये हमारे पास सन है, अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये हमारे पास देखें सन की तरह काम कर रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आता है, ख़ास तौर पर लाइक दिस इज़ आवर अर्थ, इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड करता हूँ ब्लू सा टेक्स्चर, दिस इज़ आवर अर्थ और ये सन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है मोस्ट सिनेरियोज़ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट लाइट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं इसको फुल वाइट कर दूँ, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट लाइट हमारे पास है स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट बेसिकली एक स्पॉट बना लेती है एक लाइट का, अगर मैं इसकी पावर को फुल कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये आप देख सकते हैं एक स्पॉट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस लाइट का। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इसके आगे ले आता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बनता है और हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा फन कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट लाइट जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो कि बहुत यूज़फुल है, शुरू में तो ये बोरिंग दिखेगी लेकिन ये इसका बहुत यूज़ है, ठीक है, ये बहुत यूज़फुल लाइट है। ये लाइट जो है एरिया लाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या खास है, अब बेसिकली ये एक डायरेक्शन में लाइट को इमिट करती है, ठीक है। ये 90 डिग्रीज के एंगल में एक डायरेक्शन में लाइट को इमिट करती है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। इसकी पावर को मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखें, अब ये एक ही डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ऐड करता एक पॉइंट लाइट, तो ये देखिए हमारा स्फीयर चारों तरफ से लिट अप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो, इन्हें मैं हाइड करता हूँ, यहाँ हमारे पास जो एरिया लाइट है ये एक ही डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रही है। उसको हम स्केल कर लेते हैं, स्केल डाउन कर लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलें, ये सारी लाइट्स का पता लग गया है, अब हम इनके ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर टेस्ट करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ऐड करूँगा एक एरिया लाइट, ठीक है। इसको मैं एरिया लाइट इनके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं इसे जी और जी प्रेस करके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ तो लाइट जैसे मैंने बताया था इफेक्ट नहीं करेगी, बेशक इसकी पावर आप जितनी भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ा दें, अगर आप जाएंगे इस व्यू में, यहाँ पर आपकी लाइट आपको इफेक्ट करना दिखाएगी। देखें अब भी से यहाँ पर थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर होती तो इसकी पावर अगर मैं बढ़ाऊँ तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ आते, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया। ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं पावर को बढ़ा देता हूँ, इसकी पावर को मैं तकरीबन कर लेता हूँ 2000, ठीक है। अब पावर से क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी लूमेंस जो है क्या वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा स्केल करूँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर करेगी, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स तक प्रॉपरली लाइट पहुँचेगी, ठीक है। तो मैं इसे कुछ इस तरह करके स्केल कर लेता हूँ, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइट ऐड हो गई है, ठीक है, यहाँ ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, डिफ्यूज़ वगैरह, और फिलहाल आप इन्हें छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका साइज़ है,
ठीक है, फिलहाल हमने साइज खुद ही इसका चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऐसे हमने रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है, या इस यहाँ पर हम डिफरेंट शेप्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दिस केस मैंने इसे स्केल कर दिया, इसलिए इसकी प्रॉपर स्केलिंग नहीं हो रही, ठीक है। और हम एलिप्स भी इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे वापस स्क्वायर पे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस स्लाइड के कलर आते हैं, इस स्लाइड का क्या कलर होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसको फुल वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस स्लाइड को मैंने डुप्लीकेट करना है ताकि ये लाइट यहाँ से भी आए, क्योंकि नीचे से पूरे ऑब्जेक्ट्स डार्क हैं। तो उसके लिए मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा इसकी मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद मैं इसे यहाँ मूव करूँगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस लाइट का मुंह यहाँ पर हो जाए, ठीक है। अब बजाय मैं इसको ऐसे रोटेट करने के, ठीक है, वर्क कर लेती है, लेकिन इसका इजी वे है कि आपने लाइट को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट टी दबाना है, ठीक है। शिफ्ट टी जब आप दबाएंगे, उसके बाद आप माउस जहाँ पर भी मूव करेंगे, ये लाइट आपके माउस कर्सर को ही फॉलो करेगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ इन बॉल्स जो हमारे पास हैं इनके ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाता हूँ ताकि हमारी लाइट यहाँ पर रोटेट हो जाए लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर दें, अब ये देखें हमारे पास यहाँ लाइट ऐड हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं लाइक दिस, थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर लेता हूँ 3000, सही है। तो अब हमारे पास सेकंड लाइट भी ऐड हो चुकी है। अब मैंने थर्ड लाइट ऐड करनी है, तो मैं सेम यही करूँगा, इसे फर्स्ट डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट टी दबाता हूँ और इसे यहाँ पर ले आता हूँ लाइक दिस, रोटेट करता हूँ, स्केल करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 5000, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास एक बड़े मज़े की लाइटनिंग ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब ये तो बहुत बेसिक लाइटनिंग है, लेकिन फिर भी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर हमारे पास ये लाइट ऐड हो चुकी है। अब मैं थोड़ी पॉइंट लाइट ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस लाइट को मैं वापस पॉइंट लाइट में करना चाहता हूँ, मुझे नहीं ये वाली एरिया लाइट चाहिए। तो बजाय अब इसको डिलीट करने के, फिर पॉइंट लाइट ऐड करने के, मैं सिंपली यहाँ पर हमारे पास चार लाइट्स के ऑप्शन है, मैं किसी में भी स्विच कर सकता हूँ। तो मैं पॉइंट लाइट पर क्लिक कर दूंगा तो ये पॉइंट लाइट पर चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं पॉइंट लाइट पर कर लेता हूँ, इसको अगर आपने स्पॉट लाइट पर करना है तो आप स्पॉट लाइट कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे पॉइंट लाइट ही करूँगा, सॉरी एरिया लाइट। तो चलें, अब हमारे पास ये हो गया, ऐसे मैं वापस एरिया लाइट पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटनिंग भी हमने थोड़ी बेसिक्स सीख ली, ठीक है। अब लाइटनिंग के थोड़े से और हैं कि ये वाली लाइट जो है शेडो कॉस्ट करे कि नहीं, ये सारी डिटेल्स जो हैं थोड़ी एडवांस हैं, फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये सारा हमने सीख लिया, अब इसे हम अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, बजाय डिलीट करने की इतनी मेहनत को मैं एम्प्रेस करूँगा। अब मैं वापस सॉलिड म्यू में आ गया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एम्प्रेस करूँगा, ठीक है। अब बजाय किसी कलेक्शन में इन्हें ऐड करने के, मैं न्यू कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर दूँगा, आप कुछ भी इसको नेम दे दें, फॉर वॉल्स विद लाइट्स और स्टफ लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। ये ऐड हो गया, मैं ओके पे क्लिक करूँगा, इसको नीचे कर दूँगा और यहाँ से इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ये हाइड हो गया। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, इन सब को अनहाइड कर दूँगा, ठीक है। अब हम इस पर टेक्सचरिंग ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले मैं अपने लाइटनिंग का सिनेरियो वापस ये कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, और इसे मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ लाइक दिस। अब वुड इतनी शाइनी नहीं होती तो इसलिए मैं इसे रफ़ कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। मैं इस पर भी क्लिक करूँगा, अब बजाय इस पर भी सेम न्यू क्लिक करने के और ये सारा कुछ फिर करने के, कंट्रोल जी करना है आपने, आपने यहाँ क्लिक करना है। अब हमारे पास सबसे पहले आपने इसका नाम करना है वुड, ठीक है। वुड जब आपने कर लिया, एंटर कीजिएगा, उसके बाद इस पर चेयर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जाना है और टाइप करना है इस पर वुड, ठीक है। यहाँ टाइप करें वुड, तो हमारे पास वुड टेक्सचर आ चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो इस चेयर पे भी वुड टेक्सचर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, वुड टेक्सचर पे क्लिक करूँगा तो ये वुड ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा, इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, इसकी रफनेस को 0.25 या 3 कर लेते हैं, और इसकी मेटेलिकनेस को मैं 0.7 कर दूँगा, ठीक है, मुझे ये फुल मेटल नहीं चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद मैं यहाँ पर भी यही ऐड करूँगा, मेटल टेक्सचर, सबसे पहले इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम है मटेरियल 0.001।
तो इस पर ये मटीरियल 0.001 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, इसको मैं दे देता हूँ लाइट ब्लू कलर, इसकी रफनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, शाइनीनेस को एंड मेटालिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और इसको थोड़ा डार्क कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इस फिलहाल सिलेंडर को हम लोग दे देते हैं वही वाला मेटल टेक्सचर, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टेक्सचर, ठीक है, थोड़ा ये वाला कलर हो, रफनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो। और इसकी जो अंदर लाइट बल्ब है इसको मैं कर लेता हूँ ग्लोइंग टेक्सचर, इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर लेता हूँ 20 और इसका कलर थोड़ा सा येलोइश कर देते हैं, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, सबसे पहले प्लेट को शेड स्मूथ कर लेते हैं, शेड स्मूथ बाय एंगल, ठीक है। आई गेस इस प्लेट का वैसे मुझे ये वाला जो एप्पल्स के साथ हमारे पास शेडिंग है वो वैसे सही है, एप्पल्स को मैं स्मूथ करता हूँ, ऐसे शेड स्मूथ बाय एंगल ही करूँगा, ठीक है। उसके बाद इसे भी मैं मेटल टेक्सचर दे देता हूँ, शेड फ्लैट कर देता हूँ, फिलहाल मुझे ये वाला सही लग रहा है। फिर एप्पल पे मैं क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसे थोड़ा रेड कर दूँगा और इसकी रफनेस को थोड़ा सा कम कर दूँगा। फिर इस वाले एप्पल पे क्लिक करूँगा, इसे भी मैं सेम यही टेक्सचर दे दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसे भी वुड टेक्सचर दे दूँगा, यहाँ सर्च करें वुड, इस पर क्लिक करें, यहाँ भी वुड सर्च कर लें। देन इन लीव्स को मैं ग्रीन टेक्सचर दूँगा, थोड़ा डार्क ग्रीन, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन दे दूंगा मैंने, इसको थोड़ा शाइनी कर देना है, इस पर भी सेम यही करना है, इसको ग्रीन वाला टेक्सचर दे दें ये वाला, एंड इट्स लुकिंग नाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें, इसको मैं ग्लोइंग टेक्सचर देना चाहता हूँ लेकिन अब ये वाला पार्ट तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट को मैंने टेक्सचर देना है लेकिन ये वाला पार्ट तो इस पार्ट के साथ ज्वाइन है तो मैं इसे सेपरेटली नहीं दे सकता कोई भी टेक्सचर, तो मैं एडिट मोड में जाऊंगा, ठीक है, फेस सेलेक्ट पे जाऊंगा, इस फेस को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये हमारे पास ये फेस सेलेक्ट हो गया। अब इस फेस पे मैंने ऐड करना है एक टेक्सचर तो मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, अब हमने प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है, ये प्लस जो है इस प्लस से हमारे पास एक और टेक्सचर ऐड हो जाता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर दो टेक्सचर ऐड हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं इस पर न्यू क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, रेड करूँगा, तो नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अब मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, अब ये मैंने जैसे इस पर मैंने क्लिक ही किया था, ठीक है, ये फॉरगेबल, इसमें मैं क्लिक करना, अब मैं यहाँ किसी भी पार्ट पे क्लिक करूँगा, लेट्स सपोज दिस वन, तो ये वापस इस वाले मटेरियल के ऊपर चली जाएंगे क्योंकि ब्लेंडर में हम जिस ऑब्जेक्ट को अभी क्लिक करते हैं एडिट मोड में उसका जो मटेरियल होता है वो उसी मटेरियल पे जंप कर देता है। इन दिस केस यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था इस पे ये वाला मटेरियल था तो ये इस पे जंप हो गया। मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट इस मटेरियल में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये वाला मटेरियल इस पे असाइन करना होगा। तो यहाँ पर आपको असाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले आपने इस मटेरियल पे क्लिक करना है और असाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इस पे और असाइन पे क्लिक करना है। असाइन पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये वाला जो टेक्सचर है ये इस वाले पार्ट पे असाइन हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का कुछ इस तरह आ रहा होगा, ये देखें कुछ इस तरह आ रहा होगा, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हमने ऐड किया है एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये पूरा फेस ही सेलेक्ट होगा, मटेरियल्स इसमें आ जाएंगे, लेकिन सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को अगर मैं अप्लाई करूँ थोड़ी देर के लिए, ये देखिए हमने इतना ही एरिया सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो हमने पूरा एरिया सेलेक्ट करना है। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर हम मैं चाहता हूँ इसके अराउंड जो एरिया है वो भी सिलेक्ट हो, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, फिर इसको, अब ये जो एरिया है ये वाला, अब मैं शिफ्ट ऑल्ट में मैं क्लिक करूंगा, शिफ्ट यानी मल्टीपल सेलेक्ट, ऑल्ट यानी पूरी एज लूप को सिलेक्ट करना है, और मैं इस वाले पे क्लिक कर दूंगा, अब ये पूरा जो एरिया मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं असाइन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, न्यू पे क्लिक करूंगा और इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा येलो इस तरह टेक्स्चर, और इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ अप टू 50 और मे बी 35, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड हो गया है। अब मैं बैकग्राउंड को फुल ब्लैक टेक्सचर दे देता हूँ, थोड़ी रफनेस बढ़ा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक टेक्सचरिंग ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं जाऊँ फाइनल रेंडर पे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की लाइटनिंग है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँ तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि फ़िलहाल के लिए हम, एक होता है ईवी, एक होता है साइकिल्स, वो हम आगे जाके सीखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा लाइट के हवाले से, ये मटेरियल जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो फ़िलहाल मैं इसको जितना भी बढ़ाऊँ यानी 1000 2000 वो यहाँ फ़िलहाल इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, तब आप जाके समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो सेटिंग्स हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें अपनी टेक्सचरिंग पसंद नहीं आ रही, ठीक है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्सचर है, ये मेटल टेक्सचर, ये थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी हो जाए, ठीक है। इसमें मेटल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा शाइनी हो जाए, तो उसके लिए आप मेटल को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपने कभी नहीं करना, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इसको शाइनी करते हैं, उन्हें लगता है ये देखिए शाइनी हो गया, लेकिन आपने ये नहीं करना। आपने सिंपली यहाँ मेटालिक के साथ ही इसको आपने छेड़ना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे मेटालिक से ज़्यादा मेटालिक या कम मेटालिक नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम नोड्स में जाते हैं, ठीक है। ये जो लोग मतलब इस तरह करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ठीक है। तो वो आगे मतलब शेडिंग वगैरह सीखें, वहाँ पर जाकर बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम लोग ये अभी बेसिक टेक्सचर है। अब प्रॉपर वुड, प्रॉपर मेटल, प्रॉपर एप्पल टेक्सचर वो हम लोग नोड्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैं इसलिए सिखाया था, लोग मेरे से पूछते थे कि ये क्या सीन है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग कभी भी ये चीज़ ना किया करें। और अब हम लाइट्स ऐड करेंगे, शिफ्ट ए, एरिया लाइट यहाँ लाता हूँ, इसे ऊपर कर लेता हूँ। अब मैंने इसे रोटेट करना है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज ये अब नीचे की तरफ ही लाइट इमिट करेगी, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर करे। तो मैं आर और एक्स दबाऊँगा ताकि एक्स एक्सिस पर रोटेट हो, और मैं इसे यहाँ तक रोटेट कर दूँगा, थोड़ा सा स्केल कर दूँगा, इसको मैं बढ़ा दूँगा इसकी वैल्यू 5000। शिफ्ट डी करूँगा डुप्लीकेट, रोटेट करूँगा और इसे मैं यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर से शिफ्ट डी दबाऊँगा, रोटेट करूँगा आर जी एस ए, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। फिर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक और लाइट ऐड करूँगा, इसको ऊपर ले आऊँगा, थोड़ा सा स्केल करके इसकी पावर को मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक, हमने सिर्फ चार लाइट्स ऐड किए हैं और हमारे पास इतने मज़े की लाइट ऐड हो चुकी है, ठीक है। हमारा सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप प्लेन को थोड़ा रफनेस देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे रफ ही कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो या गाइस हमारे पास ये सीन बन गया है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बेसिकली अगर आप रेंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा और फिर रेंडर और ईवी के बीच में बेसिक फ़र्क बताऊंगा, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोगों ने ये ग्लोइंग टेक्सचर ऐड किया है, लेकिन ये उतना ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम रेंडर पर जाकर कुछ सेटिंग्स को छेड़ते हैं, जैसे हमारे पास ब्लूम है। ब्लूम अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए, ये जो हमारे पास टेक्सचरिंग थी इसके अराउंड हमारे पास एक ग्लेयर सी आ गई है एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ब्लूम होता है। अब ब्लूम को मैं अनचेक करूँ तो ये ब्लूम हमारे पास चला जाएगा, ब्लूम को ऐड करूँ तो ये ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सेटिंग्स वगैरह, ठीक है। फिलहाल आई यूजली फाउंड द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मच बेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम्बियंट अग्लूजन है, ये बेसिकली शेडोज़ वगैरह जो हमारे पास टाइट प्लेसेस होती हैं उनमें शेडोज़ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें ज़्यादा बेटर करती हैं, ठीक है। तो मैं एम्बियंट अग्लूजन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन है, ये बेसिकली जो आपके पास रिफ्लेक्शंस वाली सर्फेसिस होती हैं ये उन्हें थोड़ा बेटर करती है और रिफ्लेक्शंस को थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट करती है, तो मैं इस पर भी मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये तीन हमने ऑप्शंस पे चेक कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास, अगर आप ऊपर देखें, ये रेंडर इंजन है, ठीक है, और जो कि रेंडर इंजन हमारे पास सेलेक्ट है ईवी पे, ठीक है। और एक और रेंडर इंजन हमारे पास होता है साइकल्स। ईवी और साइकिल्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंजन हैं, ख़ास तौर पे साइकिल्स तो इतना अच्छा है कि वो अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर के साथ कंपीट करता है उनके इंजन के साथ। तो बेसिकली अभी हम लोग ईवी में हैं, ठीक है। जो ईवी है वो बेसिकली रियल टाइम रेंडर इंजन है, इसमें बेसिकली हम, ये हमारा बेसिकली फाइनल रेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास था सॉलिड व्यू,
ये हमारे पास मटेरियल, ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल व्यू। अगर हम रेंडर करें अभी तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीन आएगा। अब रेंडर का बेसिकली मतलब क्या है कि आप जो हमारे पास इमेज या वीडियो है उसे सॉफ्टवेयर से बाहर निकालें वीडियो की फॉर्म में, ताकि आप उसे आगे डिलीवर कर सके किसी क्लाइंट को या जो भी आपने उसके साथ करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास ईवी है, साइकल्स जो है वो बहुत जबरदस्त रेंडर इंजन है, ठीक है। साइकल्स में हमारे पास टेक्सचरिंग थोड़ी हाई क्वालिटी हो जाती है, लाइटनिंग हाई क्वालिटी की हो जाती है, रिफ्लेक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट, सारा कुछ मच एक्यूरेट हो जाता है। पहले जब साइकल्स नहीं होता था तब ईवी वाज द बेस्ट इंजन, ठीक है, लेकिन जब साइकल्स आया तो ईवी को लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हैं, लेकिन अभी भी ईवी यूज होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे मैं क्लिक करूं और साइकल्स पे मैं क्लिक कर दूं, ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे ये इतना ग्रेनी सा है एंड बोरिंग सा है एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन नहीं, ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो हमारे पास साइकल्स है वो मच बेटर है। लेकिन इसका एक बुरी चीज़ ये है कि ये ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पीसी हीट अप हो जाएगा और आपको एक अच्छे स्पेक्स का पीसी चाहिए होगा, ठीक है, तो रेंडरिंग में इस पर थोड़ी स्लो होती है। अब ये सारा कुछ क्यों होता है, क्योंकि ये मच बेटर है, ये सारा कुछ मच हाई क्वालिटी में करता है, सारा कुछ मच मतलब हाई क्वालिटी से, और इसकी टेक्सचरिंग हाई क्वालिटी हो जाती है, इसका लाइटनिंग मच बेटर वर्क करता है एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं, अगर मैं ईवी में जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास इस स्लाइड की रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रही थी, और अगर मैं जाऊं साइकिल्स में तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं, ठीक है, मच बेटर रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं, शेडोज़ भी हमारे पास मच बेटर आ चुके हैं। इसको मैं शेड स्मूथ कर लेता हूँ, शेड फ्लैट, ठीक है, शेड ऑटो स्मूथ। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर इसकी बात करें, अगर मैं जाता हूँ ईवी पे, इसका इफ़ेक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा, और ये देखें ये जो हमारे पास प्लेट है इसका शेडो भी यहाँ नहीं पड़ रहा, ठीक है, एप्पल्स जो हैं उनका शेडो और रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ सही तरह नहीं पड़ रही, ठीक है। अब स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ रिफ्लेक्शंस नहीं है, अब रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें मच एक्यूरेट, कुछ भी एक्यूरेट उस तरह नहीं है, लेकिन जब मैं साइकिल्स पे जाऊँगा यहाँ देखें शेडो भी आ जाएगा, इसकी रिफ्लेक्शंस को देखें वो मच बेटर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास जो ग्रेनी सा व्यू पोर्ट है ये सही इसमें तो वर्क नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास यहाँ डिनॉइज का ऑप्शन है। डिनॉइज बेसिकली आपके ग्रेन्स को बिल्कुल रिमूव कर देती है, आपकी जो नॉइज़ है उसे बिल्कुल रिमूव कर देती है। इसमें मैं चेक कर दूंगा, अब ये देखें हमारे जो नॉइज़ है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब मैं अपने भाई को ये डिनॉइज़ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो कहता है ये तो सारा कुछ क्ले की तरह हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई क्ले नहीं है, ठीक है, आप में से भी काफ़ी लोग कह रहे होंगे ये तो क्ले की तरह हो गया, लेकिन नहीं, ये सिर्फ डिनॉइज़ जो है उसे रिमूव कर रहा है, बाकी ये रेंडर में क्ले की तरह नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका पीसी ज़्यादा हीट अप हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपना जीपीयू सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास जीपीयू है डिवाइस में, अभी सीपीयू सेलेक्ट है, यानी सारा जोर जो साइकिल्स का है वो सीपीयू पे जा रहा है, हमें जीपीयू पे चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसे जीपीयू कंप्यूटर पे मैं कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें, अब नाउ दिस इज मच फास्टर, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर डिनॉइस को कम कर दूँ, अब ये देखें सीपीयू में ये कितना देर से हो रहा है, ये देखें। अगर मैं जाऊँ जीपीयू में, ये देखें, ये देखें कितना जल्दी हो रहा है, ये देखें, ठीक है। सो जो हमारे पास जीपीयू है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू सीपीयूज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो सेटिंग्स हैं रेंडर सेटिंग्स, ठीक है, हमारी जो इमेज है उसे फाइनल बाहर निकालने के लिए ये हम सेटिंग्स करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि हम लोग कैमरा कैसे ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं आपको और सिखाता हूँ, मैक सैम्पल्स वगैरह हो गए, ठीक है। अगर आपका सीन फिर भी लैग कर रहा है तो आप अपने मैक सैम्पल्स को 1000 से, और अगर नहीं भी लैग कर रहा तो आप अपने मैक सैम्पल्स को 1000 से 20 समथिंग पे ले आए, ठीक है। अब मैक सैंपल्स बेसिकली आपकी जो ग्रेन है, आपकी नॉइजेज हैं, उनका जितने ज़्यादा मैक सैंपल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास हाई क्वालिटी इमेज होगी यहाँ ब्लेंडर में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं हाई करता हूँ लाइक ये, ठीक है, ये देखें। लेकिन अब मतलब यहाँ ग्रेन्स की सैंपल्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इमेज थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन अगर मैं इसे 24 करूँ, ठीक है, और अगर मैं डिनॉइज ऑन कर दूँ, अब तो हमारे पास ग्रेन्स ही नहीं है, इसलिए हमें इसको फुल 24 पे ही रखना है। ये इसकी बेसिकली फुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप यही समझें, ठीक है। ये हमारे पास 24 है,
ठीक है। अब यहाँ हमारे पास व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट यानी ब्लेंडर के अंदर हमारे पास मैक सैंपल्स कितनी हो। उसके बाद मेरे पास है रेंडर, यानी जब आप इसे फाइल बाहर निकाल रहे हो, सॉरी इमेज या वीडियो को रेंडर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल रहे हो, तो तब आपकी मैक सैंपल्स कितनी होनी चाहिए। वाइल वर्किंग इन सॉफ्टवेयर तब कितनी होनी चाहिए इन व्यू पोर्ट, और रेंडर करते वक्त 4000 हमें नहीं चाहिए, तो वो तब हम जब रेंडर करेंगे तब चेंज कर देंगे, फिलहाल अभी हम रेंडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलें गाइस आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ ब्लेंडर बेसिक्स, जिसमें मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताऊंगा, उसके कुछ टूल्स बताऊंगा, और एनिमेशन की स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो इस वक्त हमें लाइट और कैमरे की जरूरत नहीं है, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा, लेकिन इजीली सेलेक्ट करने के लिए आप इनको बॉक्स सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, एंड देन आप डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये जो मैं नेविगेट कर रहा हूँ ये वैसे अपने मिडल माउस से कर रहा हूँ, तो माउस का जो मिडल क्लिक है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपना माउस मूव करता हूँ, ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो इससे बेसिकली हम नेविगेट करते हैं, और जूम इन जूम आउट तो स्क्रॉल व्हील से करते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने क्यूब को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब हमें कुछ पार्ट 2 मेनली और पार्ट 3 में हमें जो हमारे मॉडिफायर्स हैं और प्रॉपर्टी वाला टैब है ये बहुत काम आया था, ठीक है। इसी तरह हमें आउटलाइनर भी काम आया है, और हमें एडिट मोड ऑब्जेक्ट मोड का भी पता चल गया और टूल बार का भी, लेकिन जो टाइम लाइन है वो भी इन सब की तरह है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको मैं आज की वीडियो में ज्यादातर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको इजिली समझ आए। अभी हमारे पास 250 फ्रेम्स है, ठीक है, और आपको FPS तो पता ही होगा फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, मतलब कितने फ्रेम्स एक सेकंड करें। फॉर एग्जांपल आप 25 फ्रेम्स कर लें, यानी अगर वीडियो में प्ले करूं, अगर आप यहां पर नीचे जाएं तो या तो स्पेस बार दबा दें, मेक श्योर करना है आपका माउस यहां टाइमलाइन के ऊपर हो, या तो स्पेस बार दबा दें या तो आप इन बटन्स को क्लिक कर दें। यहां पर आप जाएंगे तो आप पूरी एनिमेशन के स्टार्टिंग पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो एंड पे चले जाएंगे। आप यहां से एनिमेशन प्ले कर सकते हैं, यहां से आप बैकवर्ड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला बटन भी दबा सकते हैं और स्पेस बार भी दबा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने वापस जाना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, या फिर आप इस ब्लू लाइन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना है, एंड इफ यू ड्रैग योर माउस एज यू कैन सी दिस ब्लू लाइन इज फॉलोइंग योर कर्सर। सो इसको मैं ले आता हूँ फ्रेम 1 पे। अब फ्रेम पर सेकंड बेसिकली यही होता है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 25 फ्रेम्स जो हैं, यानी ये फ्रेम है, ये 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम, ठीक है, 25 फ्रेम्स जो हैं तो ये 1 सेकंड मिलकर बनाए, ठीक है। वो हम यहाँ पर जाके सेलेक्ट करते हैं, ये हम आगे जाके सीखेंगे सारा कुछ, ठीक है, यहाँ पर ये सारा हम यहाँ से सीख। अब ये देखें फ्रेम पर सेकंड, अभी हमारा जो डिफॉल्ट फ्रेम पर सेकंड है वो 24 है, यानी 24 फ्रेम्स जो हैं वो एक सेकंड बनाती हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग करते हैं, हमारी जो सेकंड्स होती है एनिमेशन की वो इसी तरह बनती है, ठीक है। सो ये आपकी स्पीड पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो यानी अब फॉर एग्जाम्पल मेरे 100 फ्रेम्स हैं लाइक दिस, इसको मैं अभी आपको सिखाऊंगा सारा मैंने कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे 100 फ्रेम्स हैं, अगर मैं इसे 25 फ्रेम्स पर सेकंड करता हूँ तो 4 सेकंड की एनिमेशन बनेगी, ऑलराइट, ये 4 सेकंड की एनिमेशन बनेगी। अगर मैं इसे 30 फ्रेम पर सेकंड करूँ तो ये 3.23 समथिंग सेकंड्स की बनेगी, ठीक है। 60 सेकंड्स की करूँ तो ये 1. समथिंग सेकंड्स की बनेगी। तो फ्रेम रेट जो है ये काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि ये आपकी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे ही रखता हूँ, और फ्रेम पर सेकंड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये मैंने फॉर एग्जांपल आपकी एनिमेशन ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास 250 से ज़्यादा फ्रेम्स हो, तो मैं यहाँ माउस लेके जाऊँगा, यानी मेरी जो टाइम लाइन है उसका एंड अभी मैंने 100 पे रखा हुआ, या तो मैं इस पर माउस पे क्लिक करूँ, इसके ऊपर माउस लेके जाके लेफ्ट क्लिक करूं, एंड देन इफ आई ड्रैग माय माउस एज यू कैन सी द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू माय माउस मूवमेंट, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, या फिर मैं इस पे क्लिक करके यहां कुछ टाइप कर लूं लाइक 180 250, ठीक है, और हमारा स्टार्ट फ्रेम 1 से हो, फ्रेम 30 से हो, 41 से हो, इसको मैं 1 पे ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये बेसिकली हमारी ये जो ब्लू लाइन है इसको कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। हम बेसिकली एनिमेशन जो अपनी करते हैं वो यहाँ से देखते हैं, ये बेसिकली आप जब यूट्यूब की कोई वीडियो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है, ठीक है, अगर मैं इस पर अपना माउस लेके जाऊं, ठीक है, तो ये देखिए हम ये जो हमारे पास रेड लाइन है इसको मूव करके हम एनिमेशन में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी मैं अगर पीछे करना चाहूँ तो मैं एनिमेशन पीछे कर दूंगा, मैं इसको आगे करना चाहूँ तो मैं आगे कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको प्ले कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली टाइम लाइन भी बिल्कुल वैसी है, और ये जो वीडियो कह रही है ये आपने ज़रूर करना है, एंड या ये बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है ये आपके एनिमेशन के बीच में प्ले करती है, की फ्रेम्स वगैरह के बीच में। अब की फ्रेम्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब एनिमेशन की स्टेप पर आते हैं, यहाँ से हम एक्सेस चेंज करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा स्क्रूल आउट करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा, अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कार, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है
और इसको मैं ट्रैवल करवाना चाहता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ऑल द वे टू पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो ये कार जो इसके बीच में ट्रैवल करेगी लाइक दिस, तो जो मूवमेंट होगी वो बेसिकली एनिमेशन कहलाएगी, ठीक है। जो मूवमेंट होगी वो एनिमेशन कहलाएगी इस कार की, सही है। अब बेसिकली हमने बस ब्लेंडर को बताना है कि फ्रेम वन की लोकेशन क्या, यानी फ्रेम वन पर जो हमारा पॉइंट ए है उसकी लोकेशन क्या है और पॉइंट बी किस फ्रेम पर है, लाइक 10 फ्रेम्स जो कि 4 सेकंड्स हो जाएगा, 4 सेकंड बार फॉर एग्जांपल हमने 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे रखा हुआ है एनिमेशन रेट और मैं 100 फ्रेम्स तक एनिमेशन करना चाहता हूं। तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट बी है वो 100 फ्रेम पे यानी 4 सेकंड बार किस लोकेशन पर हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हो 1 meter पर, मतलब स्टार्टिंग जो एनिमेशन की, और 4 सेकंड्स बाद ये हो 21 meters पर, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एनिमेशन, जो मूवमेंट है। अब हमने ब्लेंडर को बताना है कि जो हमारा पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वो किधर है। बेसिकली ये की फ्रेम के थ्रू होता है, हम एक लोकेशन जो है वो सेट कर देंगे और वो की फ्रेम के जरिए सेट करेंगे ताकि ब्लेंडर को पता हो चाहे फ्रेम वन पर ये है, फ्रेम टू पर ये, ठीक है। तो अब इसको मैं पीछे की तरफ मूव कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो, लाइक दिस। अभी ब्लेंडर को नहीं पता कि हमारी एनिमेशन जो है उसका फर्स्ट पॉइंट ए उसकी लोकेशन किधर है, हमें वो बतानी होगी बाय एडिंग अ की फ्रेम, ठीक है। तो उसको की फ्रेम ऐड करने के लिए हम काफी ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इजी लगता है बिगिनर्स के लिए मुझे वो ये है कि आप यहाँ पर जाएं प्रॉपर्टीज टैब में ऑब्जेक्ट के अंदर, मेक श्योर कि आप कीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जिसकी आपने एनिमेशन करनी है, एंड देन एज यू कैन सी यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म्स के नीचे अपनी लोकेशन वगैरह और इनकी वैल्यूज रोटेशन, ठीक है, स्केल, इनकी वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया, तो इसको मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे की फ्रेम्स, ठीक है। अभी देखें हमारी लोकेशन जो है वो बाकी सारी लोकेशन रोटेशन ये सारा कुछ बिल्कुल डिफॉल्ट वैल्यू पे है 0 0 0, क्योंकि इसका सारा कुछ सेम है, स्केलिंग भी इसकी डिफॉल्ट है, रोटेशन डिफॉल्ट है। हमने सिर्फ लोकेशन की फ्रेम करनी है क्योंकि हमने सिर्फ लोकेशन की ही एनिमेशन करनी है। अगर हमने रोटेशन की एनिमेशन करनी होती तो हम फिर रोटेशन की फ्रेम डालते, बट इन दिस केस वी ओनली वॉन्ट द लोकेशन की फ्रेम बिकॉज हमने सिर्फ लोकेशन की एनिमेशन करनी है। तो फ्रेम वन यानी वीडियो के स्टार्ट पे मैं लेकर जाऊंगा यानी फ्रेम वन पे, और अब मैंने किस एक्सिस में लोकेशन की एनिमेशन करनी है यानी वाई एक्सिस पे लोकेशन की एनिमेशन, जी एक्सिस या एक्स एक्सिस, अभी मैंने एक्स एक्सिस पे करनी है, ठीक है। तो मैं ओनली एक्स एक्सिस और लोकेशन की मैं की फ्रेम ऐड करूंगा। तो मैंने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, ठीक है। अब मैं इंसर्ट की फ्रेम करूंगा ना तो ये सारे लोकेशन की फ्रेम ऐड कर देगा। अगर मैं रोटेशन के ऊपर जाके इंसर्ट की फ्रेम करूं तो ये सारी एक्सिस की फ्रेम ऐड कर देगा। मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस की फ्रेम ऐड करनी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड आई एम गोना क्लिक ऑन इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिर्फ हमारा जो एक्स एक्सिस वाली लोकेशन है वो सिर्फ हमारे पास येलो कलर में हाईलाइट हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेम वन पे हमारे पास येलो कलर की एक डायमंड शेप डॉट आ चुका है। इट मीन्स कि हमारे पास ये की फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर ब्लेंडर ने पॉइंट सेट कर दिया है कि पॉइंट ए हमारा इस लोकेशन पर है सिर्फ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं जाऊँगा फ्रेम 100 पर और फ्रेम रेट को मैं कर दूंगा 25 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। और 100 फ्रेम पर जाके मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड बाद हमारे जो पॉइंट बी है वो ये हो यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको मूव करूंगा, मेक श्योर करना है आपने 100 फ्रेम पर होना है। कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं इंक्लूडिंग मी जब मैं बिगिनर था, कि मैं फ्रेम 1 पे ही रहकर इसको मूव करता था और फिर अनदर की फ्रेम ऐड कर लेता, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी एनिमेशन की स्टार्टिंग फ्रेम 1 पे करनी है या जिस फ्रेम पर भी, लेकिन आपने अपनी एनिमेशन को आगे लेके जाना है, लाइक मैं 100 फ्रेम पर जा रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड स्टेप आपने करना है, ठीक है। अब मैं इसको मूव करूंगा एक्स एक्सिस विद जी और एक्स दबा के, लाइक ओवर हियर, ठीक है। एंड एज यू कैन सी अगर मैं अभी की फ्रेम मैंने नहीं ऐड किया, अगर मैं अपना जो माउस है वो इस ब्लू वाली चीज पर लेके जाऊंगा और अगर मैं मूव करूंगा तो ये देखिए हमारी लोकेशन ओरिजिनल जगह पर आ जाएगी, क्योंकि ब्लेंडर को पता है कि अभी सिर्फ पॉइंट ए जो है उसकी लोकेशन ही अभी पता है, यानी 5.4383 मीटर, ठीक है, -54, ठीक है। तो ब्लेंडर को अभी सिर्फ यही लोकेशन की वैल्यू पता है। अगर मैं अभी से जहां पर मैं मूव करूँ लाइक ओवर हियर और मैं फिर से यहाँ पर नीचे ड्रैग करूँ अपना माउस तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा फ्रेम नंबर 100 पर, इसको मैं यहाँ मूव करूँगा।
अब यहाँ पर आप देखिए ये तो येलो था, अब ये ऑरेंज हो गया, क्यों? क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास की फ्रेम नहीं ऐड हुई, इसलिए ये ऑरेंज कलर में हो गया। और अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम पे भी क्लिक कर दूंगा, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट ए पे की फ्रेम ऐड हो गई है। अब अगर मैं इस क्लिक करूंगा और जब मैं मूव करूंगा तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है। और अगर मैं एनिमेशन की स्टार्टिंग पर जाऊंगा एंड नाउ इफ आई प्रेस स्पेस बार, एज यू कैन सी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमारा क्यूब मूव कर रहा है 4 सेकंड्स में। अब मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब हमने ब्लेंडर को बताया था कि फ्रेम 1 पे हमारा पॉइंट ये होना चाहिए, फ्रेम बी के 100 पर पॉइंट बी पर हमारी लोकेशन ये होनी चाहिए, और उसके बिटवीन ब्लेंडर ने खुद ही मूवमेंट ऐड कर दी विच इज़ कॉल्ड एनिमेशन। ठीक है, ये देखें। अब मैं आपको रोटेशन की एनिमेशन करके दिखाऊंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ए एक्स एंड डिलीट। ठीक है, अब मैं जाऊंगा रोटेशन की फ्रेम ऐड करूंगा, तो मैं हर एक्सेस पे से रोटेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे इसकी ओरिजिनल जगह पर लाना चाहता हूँ, जो कि ये 3D कर्सर है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ दिस व्यू पोर्ट। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए मैंने इसको ग्रैब किया था जी, अब मैं चाहता हूँ इसकी सारी लोकेशन कैंसिल हो जाए, तो मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा इस क्यूब को सिलेक्ट करके। अब देखिए इसकी सारी लोकेशन 0-0 हो गई है और ये सेंटर में आ गया। ठीक है, ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे स्केल कर दिया, अब मैं ऑल्ट एस दबाऊंगा तो ये अपनी ओरिजिनल स्केलिंग पर आ जाएगा। इसको मैंने रोटेट कर दिया तो ऑल्ट आर दबा दूंगा। ठीक है, या फिर हम सिंपली ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, क्लियर पर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास लोकेशन, क्लियर रोटेशन और क्लियर स्केल भी है, तो मैं इसको क्लियर रोटेशन कर दूंगा। ऑलराइट, अब हम इसकी रोटेशन की फ्रेम ऐड करेंगे, हर हमने सारी रोटेशन की फ्रेम ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई प्रेस कर दूंगा इसके ऊपर, या तो आप आई प्रेस करें यानी इंसर्ट की फ्रेम। ठीक है, या आप राइट क्लिक करें और इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक करें, या आप इसका शॉर्टकट आई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूंगा इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, और उसके बाद मैं जाऊंगा फ्रेम नंबर 60 पर। ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर दूंगा हर डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसे रोटेट करूं तो जिस व्यू से मैं देख रहा हूं उस व्यू के अकॉर्डिंग ये रोटेट हो रहा होगा हमारा क्यूब। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये रैंडमली रोटेट हो, तो मैं आर को ट्वाइस प्रेस करूंगा, यानी आर एंड देन ऑल्सो आर। अब आप देखें हमारा कर्सर कुछ इस तरह का हो गया, और अब अगर मैं मूव करूँ अपना माउस तो ये देखें अब ये हमारा क्यूब रैंडमली मूव करेगा। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ रोटेशन कैंसिल करने के लिए, डबल आर प्रेस करता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह करके मूव कर देता हूँ। अब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये ऑरेंज हो गए, यानी वैल्यूज चेंज हुई हैं लेकिन की फ्रेम ऐड नहीं हुई, तो मैं आई प्रेस कर दूंगा तो ये हमारे पास 2 की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अब अगर मैं एनिमेशन प्ले करूं तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन आ गई, ये देखें। अब लास्ट में आपको स्केलिंग की करके दिखा लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं ऑब्जेक्ट पर जाता हूँ, क्लियर रोटेशन। अब मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ y एक्सिस की, तो मैं इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दूंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा फ्रेम नंबर 80 पर, इसको मैं s और y दबा के y एक्सिस पे स्केल करके राइट क्लिक और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम पे अगेन प्रेस कर दूंगा, एंड ये देखिए हमारी स्केलिंग की एनिमेशन बन गई। ठीक है, अब सबको कंबाइन करते हैं। ठीक है, सबको कंबाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि फ्रेम 80 पर जाऊँगा, मैं चाहता हूँ फ्रेम 80 से लेकर 120 तक हम रोटेशन इसकी करें। ठीक है, तो रोटेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सारी रोटेशन करना चाहते हैं तो आप आई प्रेस कर दें रोटेशन के ऊपर माउस लेके जाके, और यहाँ पर ये रोटेशन की फ्रेम डाल देगी। उसके बाद मैं फ्रेम 120 पर जाकर डबल आर प्रेस करके इसको रोटेट कर दूंगा एंड देन आई प्रेस कर दूंगा। ठीक है, एंड एज यू कैन सी ये हमारे पास एनिमेशन होगी। अब मैं जाऊंगा फ्रेम 120 पर, यहाँ पर मैं लोकेशन की फ्रेम ऐड करूंगा एंड देन ऑन फ्रेम 170 मैं इसको मूव कर दूंगा ओवर हियर एंड देन आई प्रेस आई, एंड एज यू कैन सी हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन हो गई है, पहले स्केल फिर रोटेशन एंड देन मूवमेंट। ठीक है, अब मैं आपको अगेन लास्ट टाइम एक एनिमेशन करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम स्पीड वगैरह पर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले जाता हूँ स्केलिंग पर, मैं इसको कर लेता हूँ एक्स एक्सिस की स्केलिंग पर इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, मैं जाऊँगा फ्रेम नंबर 60 पर और इसको एस और एक्स दबाकर इसको मैं स्केल कर दूंगा लाइक दिस, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। अच्छा, अब ये हमारी सिंगल एक्सिस पे एक बेसिक एनिमेशन हो गई। अब मैं चाहता हूँ फ्रेम नंबर 80 पर ये थोड़ा कम हो जाए, तो मैं एस और एक्स दबाऊंगा फ्रेम 80 पर जाके ये, और इसको मैं इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दूंगा। अभी हमारे पास पॉइंट ए आ गया है, पॉइंट बी आ गया है और पॉइंट सी आ गया है। ठीक है, पॉइंट ए पे हमारी स्केलिंग कुछ इस तरह है, पॉइंट बी पे कुछ इस तरह है और पॉइंट सी पे इस तरह है। ठीक है, और हम अपनी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके, यानी अब ये मैंने डी सेलेक्ट जो हुई हुई है वो व्हाइट कलर में है और जो सेलेक्ट हुई हुई है वो ऑरेंज कलर में, और अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे 50 पे कर देता हूँ।
अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँ या देखें पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में, उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पर एस और एक्स दबा के मैं इसको काफी स्केल कर लेता हूँ, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, अब पॉइंट डी तक आ चुका है ये, पॉइंट बी तक ये एनिमेशन, पॉइंट सी एंड देन दिस वन पॉइंट डी, उसके बाद मैं सारा कुछ डिलीट कर दूंगा। एक सिंपल लोकेशन की एनिमेशन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं मूव करता हूँ एक्स एक्सिस पे, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, आई एम गोना गो टू फ्रेम 100 और इसको मैं यहाँ मूव कर दूंगा, और मे बी फ्रेम 70 और इसको मैं जी और एक्स दबा के यहाँ मूव कर दूंगा, देन राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, एंड एज यू कैन सी काफ़ी बेसिक एनिमेशन बन गई हमारी। अब इसकी स्पीड वगैरह हम इंक्रीज वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अब स्पीड इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ भी नहीं चाहिए, आउटलाइनर भी नहीं चाहिए, टाइमलाइन, बेसिकली ये टाइमलाइन है, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर में बेसिकली जो लोकेशन है इसकी मूवमेंट है, लोकेशन रोटेशन वगैरह की जो मूवमेंट है उसको बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में हमें दिखाया जाता है। तो हमें ग्राफ एडिटर चाहिए और वो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा, तो हम ग्राफ एडिटर कैसे लाएं? अब सबसे पहले मैं आपको ग्राफ एडिटर लाने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि आप अपनी टैब्स को बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आउटलाइनर थोड़ा बड़ा दिखे तो आप इसके एज पर अपना माउस लेके जाएं, जब तक आपका माउस एरो की फॉर्म में ना आ जाए, लेफ्ट क्लिक करें और अपना माउस ड्रैग कर दें, फिर लेफ्ट क्लिक आप छोड़ दें, तो ये इस तरह इंक्रीज डिक्रीज आप साइज कर सकते हैं अपनी टैब्स का। अब मैंने ग्राफ एडिटर ओपन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट टैब्स में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये मेरी टाइमलाइन बन जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइमलाइन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी टाइमलाइन बन गई है, ठीक है, ये देखिए हमारी टाइमलाइन बन गई है। लेकिन मैं इसे वापस प्रॉपर्टीज़ में लाना चाहता हूँ तो मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर दूंगा, मैं इसे आउटलाइनर में भी कर सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं इसे प्रॉपर्टीज़ में ही कर लेता हूँ। और अब मैंने ग्राफ एडिटर लाना है यहाँ पर तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये टाइमलाइन पर है तो मैं इसे ग्राफ एडिटर पे कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये काफ़ी छोटा दिख रहा है और मैं स्पीड कैसे चेंज करूँ मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा कुछ इस तरह, इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और इसे ऊपर कर देना है तकरीबन इतना, सही है। अभी यहाँ पर भी आप सेम ऐसे ही नेविगेट करते हैं कि आप अपने मिडिल माउस को क्लिक करते हैं और आप अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो ये नेविगेट होता है, ठीक है। जूम आउट कर लेता हूँ, अब बेसिकली ये देखें हमें ग्राफ की फॉर्म में हमारी एनिमेशन दिख रही है, ये देखें ये, और आपने नोटिस किया होगा कि ये एनिमेशन पहले स्लो है, इस पे गौर करें, ये स्लो है, ये फास्ट है और फिर स्लो हो जाती है, ठीक है, ये स्लो फास्ट और फिर स्लो। ये आपको मैं ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल अगर इसके दूँ, अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अभी आप देखें ये वाली एनिमेशन बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये सारा कुछ मैंने कैसे किया। अब ये वाली एनिमेशन कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है और वो वाली एनिमेशन पहले स्लो फिर फास्ट और फिर स्लो, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये देखिए ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ठीक है, और अगर मैं इसे हाइड करता हूँ एच दबा कर एच फॉर हाइड और इसको अनहाइड करता हूँ और अब मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो ये देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। मैं सेकंड क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, ये देखें अब इसको मैं डिफरेंट एनिमेशंस की स्पीड पर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे एक और टैब यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा वर्टिकल स्प्लिट, यह वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर फर्क मैं वर्टिकल स्प्लिट लाना चाहता हूँ। अब ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है, मैं इसको तकरीबन इतना करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइन यहाँ पर ले आऊँगा और लेफ्ट क्लिक करूँगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक और टैब ओपन हो चुकी है और इस टैब में मैं क्या करूँगा कि टी प्रेस करूँगा ताकि टूल बार नज़र आए, फिर से टी प्रेस करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा और हाइड हो जाएगा, ठीक है, ये देखें टी फॉर टूल बार। अब मैं ये वाला यहाँ पर लेता हूँ एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेज है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या एनिमेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं एनिमेशन करूँगा, अभी हमारी एनिमेशन है इस तरह, ये स्लो ये फास्ट और ये स्लो, ठीक है, फिर हमारे पास एक स्पीड होती है ये, मैं आपको सारी बताता हूँ कि ये क्या है और ये सारी एनिमेशंस मैं अभी करूँगा, ठीक है, ये एंड देन ये एंड लास्टली ये, ठीक है। अब ये कुछ एनिमेशंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, ठीक है, इसको बस मैं यहाँ पर इस तरह कर लूँ एंड यस। अब बेसिकली ये हमारे पास कुछ कर्व्स हैं, ठीक है,
तो गाइज ये कुछ एनिमेशन की कर्व्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे ये क्या चीज है, बेसिकली ये एनिमेशन की स्पीड्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोट करें, अभी बेसिकली हमारी एनिमेशन की स्पीड ये है, देखें ये वाली, दिस इज अवर स्पीड, ठीक है। राइट नाउ एज यू कैन सी ये ऐसे, अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन देखें यही है, पहले फ्लैट है फिर वर्टिकल हो जाती है फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि जहां पर भी हमारे पास कर्व वर्टिकल होगा वहां पर हमारे पास एनिमेशन फास्ट होगी, ठीक है, और जहां पर भी हमारे पास कर्व हॉरिजॉन्टल होगा वहां पर हमारे पास एनिमेशन स्लो होगी, वेदर वो हमारे पास रोटेशन की है और लोकेशन की है और स्केलिंग की है। अब इस कर्व के साथ हम लोग छेड़छाड़ी करेंगे ताकि हमारी जो एनिमेशन है उसकी स्पीड चेंज हो सके और इंटरेस्टिंग हो सके। अब ये देखें, शुरू में हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लो, और एंड पे भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है मीन्स स्लो, यानी स्टार्ट और एंड हमारे पास स्लो है लेकिन दरमियान में वर्टिकल है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है, ठीक है, यानी दरमियान में ये फास्ट एनिमेशन है, ठीक है। ये देखें मतलब स्लो फास्ट एंड देन स्लो, ये देखें ये, ठीक है। अब अगर मैं इसे करना चाहूँ कि ये फास्ट होके स्लो हो जाए, ठीक है, फास्ट होके स्लो हो जाए, तो मतलब मुझे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वर्टिकल बनाना होगा, स्टार्टिंग कर्व वर्टिकल बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा कि तो हम अपने कर्व्स को कैसे छेड़, यहाँ पर आपको कर्व्स के स्टार्टिंग और एंड पर, यानी यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड कीजिए जो कि है फ्रेम 70 और फ्रेम नंबर 1, वहां पर हमने एनिमेशन यहाँ की फ्रेम ऐड की थी, वहां पर हमारे पास ये हैंडल्स हैं, ठीक है। तो इन हैंडल्स को मूव रोटेट और स्केल करके हम अपनी जो कर्व है उसकी शेप चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो। अब हमने फास्ट से स्लो करना है, यानी स्टार्टिंग को मैंने वर्टिकल करना है, तो उसके लिए मैं इस हैंडल के सेंटर पे सिलेक्ट करूंगा और इसे रोटेट कर दूंगा आर दबा के, ठीक है। अब ये देखिए जैसे जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ वैसे वैसे ये कर्व हमारे पास मूव हो रही है। इसको मैं मूव करूँ तो ये देखिए ये हमारी जो एनिमेशन है, मैं तो हालांकि इस कर्व को मूव कर रहा हूँ लेकिन हमारी एनिमेशन जो है वो उस पर इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ये कर्व भी बेसिकली वो एनिमेशन है, ठीक है। वो टाइमलाइन में हमें की फ्रेम की फॉर्म में दिया है और ग्राफ एडिटर में हमें लाइंस की फॉर्म में दी है, कर्व्स की फॉर्म में दी है ताकि हम इसकी स्पीड चेंज कर सकें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस, और मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ से थोड़ा ज़्यादा देर वर्टिकल रहे तो मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर दूंगा एस दबा के। अब एंड वाला एरिया हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और स्टार्ट वाला एरिया हमारे पास वर्टिकल है जो कि ये वाला कर्व है, ये हमने इसको बनाया है एज यू कैन सी। अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूं, ये देखें फास्ट से स्लो, ये देखें फास्ट से स्लो, ठीक है। अब मैं एक और कर्व बनाऊंगा जो कि होगा दिस वन, दिस वन। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्व है वो, मेरी जो एनिमेशन है वो स्लो से फास्ट हो, तो मैं स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल और एंड पे वर्टिकल लाऊंगा। तो मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें ये स्लो, उसके बाद ये फास्ट हो जाता है, एज यू कैन सी स्लो एंड देन एज द कर्व इज गेटिंग वर्टिकल द एनिमेशन इज गेटिंग मोर फास्टर एंड फास्टर and eventually we get this speed which is very nice। इस तरह हम अपनी एनिमेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब मैं ये वाला कर्व बनाना चाहता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, यानी हमारी एनिमेशन की कोई रैंडम स्पीड नहीं है, बस एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर ये चल रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली लीनियर कहते हैं, लीनियर स्पीड में हमारी जो एनिमेशन है वो चल रही है। तो मैं इसको रोटेट करूँगा लाइक दिस दोनों को। अब ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन एक तरह से बस आपको दिखाने के लिए, सही है। ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड हो गई। ऑलराइट, नाउ पहले हमारी एनिमेशन स्लो फास्ट और फिर स्लो थी, अब मैं चाहता हूँ फास्ट स्लो और फिर फास्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको वर्टिकल बनाऊंगा, यहाँ से भी इसको रोटेट करके वर्टिकल बनाऊंगा। अब दरमियान में खुद ही एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाएगा विच इज़ नाइस। अब अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ फास्ट स्लो एंड देन फास्ट, ठीक है, ये देखें फास्ट स्लो एंड देन फास्ट विच इज वेरी नाइस, ठीक है। तो ये काफी मजेदार बन गया है हमारा कर्व। अब आप चाहें कि शुरू में स्टार्ट फास्ट हो एंड पे हमारे पास स्लो हो, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है इन कर्व को हम अगर अपनी मर्जी से करना चाहें, यानी ये तो हम अपनी मर्जी से करें, यानी ब्लेंडर के पास एक लाइब्रेरी है जिसमें आप एनिमेशन काफी हद तक एनिमेशन उठा सकते हैं, ठीक है। अब वो लाइब्रेरी तो नहीं है लेकिन एक टूल है, ठीक है। मैं इसको सारा डिलीट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर है, इसको मैं
सारा खत्म कर लेता हूँ एंड या अब मैं क्या प्रेस करूंगा, टी प्रेस करनी है, आपने मेक श्योर करना है ए प्रेस करना ताकि आपके सारे हैंडल्स एंड सारी की फ्रेम सेलेक्ट हो जाए व्हेन यू प्रेस ए। उसके बाद आपने टी प्रेस करना है तो आपके पास एक टूल आ जाएगा विच इज हमारी जो एनिमेशन है उसकी एनिमेशन उसकी स्पीड को कंट्रोल करने वाला टूल। एंड यहाँ पर हमारे पास तीन हमारे पास टाइप्स एंड डायनेमिक इफेक्ट इज एंड देन इंटरपोलेशन, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ का नाम बता देता हूँ, बेजियर जो कि हमारी डिफॉल्ट एनिमेशन स्पीड है यानी स्लो फास्ट एंड देन स्लो, लीनियर कांस्टेंट स्पीड है ठीक है, और कांस्टेंट जो है डायरेक्टली एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पर जंप कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर मैं किसी पे भी क्लिक करूँ लाइक लेट सपोज लीनियर तो हमारा कर्व बिल्कुल लीनियर हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा एंड हमारी एनिमेशन बिल्कुल एक स्पीड पर हो जाएगी ठीक है। इसको मैं करूँ बेजियर तो वो हमने बेजियर को ऐसे ही छेड़ लिया इसलिए ये ऐसी एनिमेशन ऐसी ही होगी। इसको कांस्टेंट कर दूं तो देखिए शुरू में कोई एनिमेशन नहीं होगी लेकिन अचानक से ये यहाँ पर पहुँच जाएगा ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ क्यूबिक। अब यहाँ पर अगर आप क्यूबिक पे देखें तो ये स्लो हो रहा है और उसके बाद फिर फास्ट हो रहा है, ये देखें स्लो है और फिर फास्ट हो रहा है ठीक है, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन फिर भी फास्ट हो रहा है। अब मैं इसको अगर यहाँ पर करूँ तो ये देखें ये फिर फास्ट है, ये देखें ठीक है। और उसको मैं अगर बैक पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये फास्ट जा रहा है यहाँ से स्लो होके फिर ऊपर की तरफ जा रही है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज दिस बैक, नाम से पता चल रहा है, ये देखें ये एनिमेशन बैक पे आ जाएगी ठीक है। ये देखें यानी हमारा फर्स्ट फ्रेम पर जो पॉइंट ए था वो इस लोकेशन पर था, पॉइंट बी जो था वो इसी लोकेशन पे था लेकिन ये आगे थोड़ा सा गया है ठीक है, ये हमारे पॉइंट बी से थोड़ा आगे जाके फिर वापस उस पर आ चुका है, तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह की है। उसके बाद हमारे पास बाउंस है जो कि बड़े मज़े का है, ये देखें यहाँ पर भी बाउंस की तरह, ये देखें ये बाउंस होगा ठीक है। लाइक आप इसमें एनिमेशन कर सकते हैं कोई डोर जो है वो किसी ने जोर से स्लैम किया है या बॉल एनिमेशन या स्टफ लाइक दैट ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास है इलास्टिक, ये बेसिकली कुछ इस तरह की एनिमेशन है, स्प्रिंग आप इससे बना सकते हैं और बाउंसी तो खैर मेरा फेवरेट है ठीक है। अब मैं इससे एक एनिमेशन करता हूँ, मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ एंड एक यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ, इसको ऊपर मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ। अब जी एक्सेस पे मूव किया है, जी एक्सेस पे एनिमेशन करना चाहता हूँ तो मैं फ्रेम वन पर जाऊँगा, जी एक्सेस पे राइट क्लिक, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम करूँगा एंड देन फ्रेम नंबर 60 पर मैं इसको नीचे यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बी है यहाँ ले आता हूँ ठीक है, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम ठीक है। अब मैं इसे टी प्रेस करूंगा, बाउंस पे क्लिक कर दूंगा, ये देखें इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ शिफ्ट ए और एक प्लेन ऐड करके इसको स्केल कर देता हूँ, ये हमारा फ्लोर है एंड एज यू कैन सी ये मेरे पास बाउंसिंग एनिमेशन बन गई है, देखें लाइक दिस एंड दिस इज सुपर नाइस ठीक है। अब आप इसकी थोड़ी स्केलिंग की भी एनिमेशन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लाइक ये शुरू में थोड़ा सा स्क्विश हो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, रफली करके दिखाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ ये विंडो पहले क्लोज हो जाए ठीक है, ताकि मुझे एक ही विंडो पर ज़्यादा फोकस करने का मौका मिले, राइट क्लिक कर लूँगा। अब जॉइन एरियाज पे मैं क्लिक करूँगा ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लोज हो जाए, ये वाली विंडो क्लोज हो जाए तो मैं क्लिक कर दूँगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और टाइम लाइन पर आ जाता हूँ, सही है। नाउ सारा कुछ रेस्ट करके एक स्टेप आगे की तरफ ले आता हूँ ठीक है, एंड अब इसकी हम थोड़ी सी स्केलिंग की एनिमेशन करेंगे रफली। तो स्टार्ट में मैं ये चाहता हूँ कि ये स्क्विश हो, लाइक फ्रेम नंबर 15 पर ये हो जाए स्क्विश, तो मैं इसे स्क्विश करके स्केलिंग पर मैं चाहता हूँ स्केलिंग सारी स्केलिंग पर हो क्योंकि हमने तकरीबन हर एक्सिस पे ही एनिमेशन करनी है, तो मैं आई प्रेस करूँगा, यहाँ पर हमारे पास स्केल आ गई, फ्रेम 1 पर जाके मैं इसे थोड़ा सा एक्स एक्सिस पर बड़ा कर दूँगा और आई प्रेस कर दूँगा। अब ये देखें यहाँ से ये स्क्विश हो गई, ये अभी मैं रफली बना रहा हूँ ठीक है, यहाँ पर फ्रेम नंबर 21 पे ये थोड़ी ज़्यादा स्क्विश हो जाए और फ्रेम नंबर 23 पर ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ, लोकेशन की भी की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और स्केल की भी, व्हाट हैपेंड। अच्छा अब ब्लेंडर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है क्योंकि स्केलिंग की भी हमने कर दी और जो स्केलिंग की हमारे पास जो स्केलिंग की एनिमेशन है वो भी बाउंस पे लगी हुई है एज यू कैन सी। मैं इसको अगर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लीनियर तो ये ऐसे नहीं होगा ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ,
स्केलिंग के एनिमेशन को, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं, ये देखें, एंड आप काफ़ी कुछ इससे कर सकते हैं और मतलब बहुत मज़े के एनिमेशन कर सकते हैं। अब आप कार एनिमेशन भी बना सकते हैं, सिंपल सी बाउंसी बॉल एनिमेशन भी कर सकते हैं और इनकी स्पीड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।